Dzieci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں جناب کا اس آیت کا گزارش کروں گا تو تیز تفسیر ہے. تلاوت قرآن پاک کے لیے جناب میں اتفاق سے گزارش کروں گا شیخ ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں عبد الوہاب بھائی سے گزارش کروں گا تشریف لائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كرهت ما مضي إيمان کی روشنی کے لیے تمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے ایمان کی روشنی کے لیے میرے تو آپ ہی سب کچھ رحمت عالم میرے تو آپ ہی سب کچھ رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں زمانے ایمان کی روشنی.
ज़िक्रे मुहम्मदी के लिए कर इंतमाम भी। हमें मुख्तसर से तारीख कलमात के लिए कोऑर्डिनेटर थिंकर फोरम जनाब अच्छा जहाँ साहब से गुजारिश करूँ वो तशरीफ है। औज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेहमान हमारे करीब ही इंशाल्लाह पहुँच गए और चंद मिनट के अंदर वो इंशाल्लाह पहुँच जाते हैं। उस टाइम को थोड़ी देर के मुझे आप बर्दाश्त कीजिए उस पर ताकि वो तशरीफ लें। उस पर वैसे तो यदि इंसान का तर्ज अमल ही उसके उसकी शख्सियत और उसके काम का इजहार करता है और ये माशाल्लाह 34th नशिस्त है हमारी जो आज हम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहद हज़रत के बच्चे ये मौजू की इंतहाब या सिलेक्शन क्यों या इस तरह के मुख्तलिफ मौजूआत आप गैर रवायती जो सुनते हैं या देखते हैं आप दोस्त शफकत फरमाते हैं और हौसला अफजाई करते हैं और आप तशरीफ लाते हैं और आपकी हौसला अफजाई करना ही हमें इस चीज पे आमादा रखती है और हौसला देती है कि हम इस काम को आगे बढ़ाते जाएं। इसका बुनियादी लुब लबाब या बुनियादी मकसद यकीनी तौर पे एक कलमा गो एक इंसान की जिंदगी में अल्लाह ताला की रजा है, उसके अलावा कोई और मकसद नहीं हो सकता। और जब हम लोग अपने आप को एक ईमान अपने दीन के पढ़ते हैं तो यकीनी तौर पे हमारे लिए मेन सोर्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए मिशन ले रहा है और उसी का हमने ये इख्तियार किया कि सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम देखते हैं और मौजूदा अपने जिस अहद में जिंदगी गुजार रहे हैं तो उसका अगर किसी भी इंसान को कंपैरिजन का मौका बने तो वो इंसान एक अजीब कैफियत में चला जाता है। मसलन मिसाल के तौर पर मैं मेरा ख्याल है कि बचपन की मैट्रिक में था तो मैट्रिक में या उससे पहले घर में दिया जलाया करते थे, बाबा जी का कमरा है या हांका में जाना दिया जलाना तो उससे सफर शुरू किया। तो जो हमारी मुआशे के अंदर मुख्तलिफ दीन से मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो मुख्तलिफ कोशिशें हो रही हैं जब उनमें जाने का इत्तेफाक हुआ तो ये देख के खुशी भी और दुख भी कि हर कोशिश जो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के लिए है वो इस चीज पे फोकस्ड है कि अगर तो हमारे दिए गए ट्रैक को इख्तियार करते हैं तो ये सिरात मुस्तकीम है, अगर किसी दूसरी कोशिश को इख्तियार करते हैं तो वो उसके बारे में जो राय दी जाती है वो कुछ भी नहीं है। जब ये मुख्तलिफ सोचों को देखने का मौका बना तो एक नतीजा ये निकलता है कि हर खैर के नाम पे की गई कोशिश जो है वो उम्मत का अलग से एक अलग शनाख्त देके वो जो एक निशान मंजिल दिया गया उसके लिए एक निशान राह तैयार की गई, निशान मंजिल धुंधला गई है। अब मेरी पहचान वो एक खास स्कूल ऑफ थॉट है, खास पहचान है, खास तरह का लिबास है, खास तरह का सोच है, उसके अंदर एक चीज गुम हो गई। वो गुम ये हो गई कि हम लोग एक हमारे से अक्सर बोलते हैं स्टेट ऑफ डिनायल में आ गए। जो चीज मुझे इनसे समझ में आई वो ये थी कि हम लोगों ने अपने आप को मफ़ुकुल फितर किस्म की चीज समझ लिया कि बाकी तो सारी दुनिया जहन्नमी है और हम लोग जो है ना जो कुछ कर रहे हैं शायद हम लोग दुनिया के बेहतरीन लोग हैं। यकीनी तौर पे वो फर्द दुनिया का बेहतरीन फर्द है जो अपने हालिक अपने रब की मोहब्बत और उसकी अदायत करता है और उसके भेजे हुए नुमाइंदे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हतमुन नबीन है उनकी अदायत करता है। लेकिन इस सिलसिले में जो चीज इग्नोर हो जाती है वो ये इग्नोर हो जाती है कि हम लोग उस नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सीरत देखते हैं तो उस मुआशरे के अंदर जो लड़े हुए हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है, जो मुआशरे की तकसीम है उसको जोड़ा जा रहा है। जिस तरह आज आप देखते हैं कि पूरी यूरो यूनियन ने एक करेंसी बना ली, एक वीजा कर लिया
وہ تقسیم کو کم کر رہے ہیں اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تقسیم بڑھا رہے ہیں. اس میں ایک چیز جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح لوہے کے بغیر تلوار نہیں بن سکتی, اسی طرح جب آپ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں تو اس میں بنیادی فوکس جو دیا گیا وہ دنیا کے بہترین انسان ہونا, دنیا کے بہترین نمائندہ ہونا. مثال کے طور پہ آپ کسی لان میں جاتے ہیں, گھاس لگا ہوا بڑا خوبصورت, تو اس لان کے اندر ایک آپ اگر خالی گھاس والے لان میں جاتے ہو ایک خاص کیفیت ہے. اگر اسی کے اندر مختلف کارنرز کے اندر آپ کو گلاب کا پھول لگا ہوا ہے, موتی کا پھول لگا ہوا ہے, تو اس کی لان کی خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں. اسی طرح انسانی معاشرے کے اندر جو 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 انسان ہوتے ہیں, جو قابل فخر انسان ہوتے ہیں, جن میں معاشرے اور تہذیبیں فخر کرتی ہیں, وہ جتنے افراد زیادہ معاشرے میں ہوں گے اتنا ہی وہ معاشرہ قابل فخر ہوگا, قابل رشک ہوگا, دنیا کی تہذیبوں کے اندر نمائندہ ہوگا. مثال کے طور پہ حکیم سیخ جیسی شخصیت, ایک خوبصورت شخصیت, وہ الگ بات ہے کہ ہم ایسی شخصیات کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. یعنی ایسے لوگ جو محسنین قوم ہوتے ہیں ان کو قتل کیا جاتا اور قاتل بھی نہیں پکڑے جاتے. یہ جو موجودہ سچویشن ہے, اس معاملے کے اندر جو چیز محسوس کرنے والی, جو میں نے آپ کو ایک مثال دی جس طرح لوہے کے بغیر تلوار نہیں بن سکتی ہے, اسی طرح ایک بڑی اہم چیز کہ کیا ہم لوگ انسان بنے بغیر مسلمان ہو سکتے ہیں؟ بیسک چیز جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, جو بتائی, جو ویلیوز دی, اس سے بڑھ کے تو کوئی ایگزامپل نہیں ہے. ہمارے لیے جو سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اتباع جو ہے اس آخری نبی, جو ہے آسمانی ہدایت کے آخری نمائندے, جو حضرت آدم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ, عیسیٰ, جتنے بھی نمائندے آئے وہ دین اسلام لے کے آئے, وہ سب مسلم تہذیبیں تھیں, جو وہ آخری نبی آئے ہیں, تو ہم ان کی کلن اتباع کریں. مثلا وہاں اس وقت اقبالی معاشرے کے اندر جنگیں ہوتی ہیں, کچھ قیدی ہو جاتے ہیں, کیا کہا جاتا ہے, بھائی ایجوکیشن دیجئے اور آپ کو رہا کر دیا جائے گا. اب وہ غیر مسلم کیا پڑھاتے ہیں, کیا دادینیت پڑھاتے ہیں یا کہ قرآن پاک یا سیرت نبی سے پڑھاتے ہیں؟ وہ یقیناً علم پڑھاتے ہیں. اب علم جو ہے وہ حضرت آدم سے لے کے تمام پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے, جس طرح قرآن میں سب لوگ جانتے ہیں کہ ہر تہذیب ہر سیولائزیشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے, وہ علوم گریجولی آگے بڑھے ہیں, ہر آنے والی تہذیب پہلی تہذیب سے سیکھتی تھی. اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دین کی دعوت دی, لوگوں نے اس کو قبول کیا, تو وہ جو لوگ پہلے ایمان رکھتے تھے پیغمبر پہ انہوں نے دین اسلام قبول کیا, اور جنہوں نے بھی کیا ان سے وہ علوم مسلمز نے سیکھے. اور اسی طرح آج جو موجودہ غالب تہذیب ہے اس نے وہ مسلم سے آگے لے کے چلے, وہ مانے یا نہ مانے لیکن تہذیبیں ایک دوسرے سے لرن کر کے آگے بڑھتی ہیں. لیکن آج اگر کوئی انسان, کوئی بچہ اپنی جڑ سے رابطہ چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی بات کرتا ہوں, سیدنا عمر فاروق کا پڑھتا ہوں, سیدنا علی کا پڑھتا ہوں, یا سلطان صلاح الدین ایوب رحمتہ اللہ علیہ, طارق بن زیاد, ٹیپو سلطان, تو آج کی گراؤنڈ ریئلٹی کے اندر ہماری اپنی پکچر کیا ہے؟ کیا ہم لوگ بحثیت انسان دنیا کی تہذیبوں کے اندر یہ مقام رکھتے ہیں کہ دنیا کی تہذیبیں ہماری طرف سب اٹھا کے دیکھیں؟ ہاں یہ لوگ ہیں جو واقعی جن کے اوپر انسانیت فخر کرتی ہے. ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اب اس پہ اور کمپیریزن کر لیجئے جن کو ہم جہنم میں بھیجنا چاہتے ہیں یا جن کو ہم جہنمی کہتے ہیں, وہ تہذیبیں تو نصف ایمان کو ادھر لے جاتی ہیں. میرا طرز عمل اپنے گھر کے اندر, اپنی گلی کے اندر, اپنی معاشرت کے اندر, مثلاً لاسٹ سنڈے کو ہم لوگ کسی فوتگی کے افسوس کے لیے جا رہے تھے ایڈمرل سائڈ پہ, ہم نے کہا چلو یار یہ روڈ کے اوپر چیک کرتے ہیں کہ جو گزر رہے ہیں نالے گزر رہے ہیں اس کی کیا پوزیشن ہے. 80% نالوں کے آگے کنسٹرکشن ہو چکی ہوئی ہے. یعنی جس طرح ہم اپنی گلیوں کے اندر اپنی حد سے بڑھ کے آگے تھڑی بناتے ہیں, سلوپ دیتے ہیں, حالانکہ وہ راستہ ہے, راستے کو مس یوز نہیں ہونا چاہیے, مجھے اندر اپنی لمٹ کے اندر رہنا چاہیے. اسی طرح اپنے اپنے تالابوں کے اندر, یعنی خود میں نے آپ سے دیکھا ہوا کہ میانے پورے کے اندر جو سیوریج کے لیے وہ ایک سسٹم بنایا ہوا تھا,
हम लोगों ने वो सारा बना बना तबाह करके ऐ के अंदर मछलियां पकड़ते थे। क्या गलती हम लोग हमने जोहरों के अंदर मछलियां थी, वो अपने प्लेनेट को अपने इस मुआशरे को हम लोगों ने बर्बाद किया है। अल्लाह ताला जहां आबादत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, जहां दूसरे निजाम दिए, वहां यह भी कहा कि जमीन के अंदर अकल वालों की निशानी है, यह सहीफा हक है। फलक के अंदर अकल वालों की निशानी है, यह सहीफा नूर है। लेकिन ये कलाम पढ़ने के लिए कुछ शौर चाहिए, वो कोई फहम चाहिए और इसका इस्तेमाल चाहिए। जबकि आज जिस मुआशरत में मैं और आप जिंदा हैं, यहां किस तरह अपने पांव गिन के फैसले करते हैं कि आपकी सिरत कितनी है, आप कौन है, पेट से सोचते हैं। जहन का इस्तेमाल सिरे से हम लोगों ने छोड़ दिया है। इसमें एक और एग्जाम्पल शेयर करता हूं आपसे। लास्ट टाइम मुझे इत्तेफाक हुआ जाके एजुकेशन के कुछ इदारे जापान के देखने का, ताइवान के देखने का और चाइनीज के देखने का। कोरिया में मैं एक बुद्धा के टेम्पल में जाता हूं, तो जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं ना, सेम बुद्धिस्ट को मैंने नमाज पढ़ते देखा। सिर्फ यानी वो क्या कर रहे हैं, हाथ नहीं बांधे हुए, रुकू कर रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं। अब जब आके मैंने कुछ बुजुर्गों से पूछा, अपने जो हमारे उलमा है, उन्होंने कहा सब ये बड़ी कॉमन सी बात है कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने हर तहजीब में अपने नुमाइंदे भेजे, दीन तो एक ही चल रहा है। अलबत्ता आपको वो तब्दील कर लेते था वो अशरफ अल्लाह ने नबी भेजते थे। इसलिए जितने भी मुख्तलिफ तहजीबें हैं उनके अंदर अल्लाह के नुमाइंदे आए, उन्होंने दीन सीखा और ये सारी वैल्यूज जो है ये सारी कॉमन है। तमाम मजाहब में तमाम तहजीबों के अंदर कॉमन वैल्यूज हैं, जबकि अमली तौर पे दुनिया के अंदर इस वक्त जो गालिब तहजीबें हैं वो उन वैल्यूज के ऊपर किस हद तक अमल कर रही हैं। क्या मैंने अपने ऊपर वो चीजें अप्लाई की? अल्लाह ताला के नबी ने कहा झूठ ना बोलो, मैं क्या करता हूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सफाई निसाब ईमान है, मैं क्या करता हूं? छोटों से प्यार, बड़ों से मोहब्बत, ये चीजें बेसिक हमारी अपनी मुआशरत के अंदर वैल्यूज का मामला एक होता है कि किसी थोड़ी सी लो हो गई है हमारी अपनी घरों की मुआशरत की। जो एक खूबसूरत मुआशरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तश्कील दिया अपने सहाबा इकराम के जरिए, अपने अहले बैत के जरिए, वो उस मुआशरत का हम लोगों ने क्या हाल किया। लेकिन इसमें एक बचपन की बात है, मेरे कजन थे तो मुझे कहने लगे जी क्या यार साढ़े वालदे ने की ताड़े वास्ते। मैंने कहा ये बात नहीं है, बात ये है, ये सोचो कि मेरे आने वाले मुझसे पूछें, ये ना कहें कि मेरे बाप माँ बाप क्या करके गए हैं। अपनी कंट्रीब्यूशन इस हद तक अदा करो कि अपने पीछे कांटे ना फेंक के जाओ। जितना डिलीवर मेरे पेरेंट्स ने करना था किया है, जितना उनको शौक था किया है। आज हमें सोचना पड़ेगा, आज ये देखना पड़ेगा, इस चीज पे गौर करना पड़ेगा कि जितना भी डिलीवर बड़ों ने करना था कर लिया है। आज मैं जो जिंदगी का वक्त गुजार रहा हूं, मैं जो जिंदगी में आगे कदम बढ़ा रहा हूं, मैं अपनी सांसें अपनी आंखें बंद होने से पहले क्या इस मुआशरे को इस अल्लाह की दी हुई जमीन के ऊपर अल्लाह के दिए हुए दीन के मुताबिक कुछ तब्दील करके जा रहा हूं या उससे बदतर शक्ल में छोड़ के जा रहा हूं? क्या उसको मैंने आगे बढ़ाया है या उसको रोक दिया है? ये चीजें ऐसी हैं जिसको सोचना, उस पर गौर फिक्र करना और अपने हिस्से की क्षमा जलाने की कोशिश करना, ये कोशिश हम दोस्तों ने मिलकर की और उसी के लिए ये सारी जो मुख्तलिफ कोशिशें हैं वो लगे रहते हैं करने के लिए। बाकी जाहिर है हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक सलाहियतकार दी होती है। हमारी अपनी फीलिंग्स ये थी कि हम लोग कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, हम लोगों के अंदर इतना इल्मी लेवल नहीं है। लेकिन आओ मिलके एक बात तय करें कि अफ़ख़र करना तो सिर्फ मुस्लिम होने पर। हम अपनी जो शिनाख्तें हमारे यहाँ मुफ्ती पैदा कर दी गई हैं गिरोही और तसुबात की, हम उन शिनाख्तों पर नहीं जाएंगे। वजह कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा इकराम ने यह बात की कि कलमा पढ़ो हम जैसे हो जाओ, और उन्होंने एक पहचान ली जिसका पहचान का नाम मुस्लिम करार दिया गया। और मुस्लिम होने पे जब तक हम फहर नहीं करेंगे, फहर जुबान से नहीं, मेरा अमल बोलना चाहिए, मेरे मामला बोलने चाहिए, इस तरह एक्शन स्पीक्स नॉट अदर वर्ड कहते हैं, इसी तरह ये वाज, ये तकरीर, ये तबलीग, ये इफेक्टिव नहीं होगी अगर मेरा अपना तर्ज अमल उसके बरक्स होगा। अगर मेरे अपने अमल में, मेरे अपने जिंदगी के तर्ज अमल में वो खुशबू नहीं आती है, वो इफेक्टिवनेस नहीं है, तो यकीन उसके असरात नहीं होंगे। मुआशरत के अंदर बदबू से कोई प्यार नहीं करता, खुशबू ही अच्छी लगती है, कांटे फूलों के अगर हिस्सा है लेकिन प्यार तो फूलों से किया जाता है। इसी तरह हम लोग
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اپنی سڑکیں بازار روشن کرتے ہیں، لیکن ہماری اپنی اندر کیا روشنی ہے؟ کیا ہمارا اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ جو طرز عمل ہے، کیا جو بتایا گیا جو ایک انسان پہلے انسان ہونا چاہیے میرا ہے؟ کیا میں اپنی معاشرے کے اندر جو رول مجھے ادا کرنا چاہیے تھا، جس طریقے پہ مجھے اپنی زندگی گزارنی چاہیے تھی، کیا میں کر رہا ہوں؟ اگر میرا جواب ہاں میں ہے پھر تو بڑی قابل تعریف بات ہے، لیکن اگر میرا طرز عمل وہ نہیں ہے تو وہ یقینی طور پہ وہ سوچنے کی بات ہے، اس کو غور کرنے کی بات ہے، اس کا تجزیہ کرنے کی بات ہے، اس کا مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ نتیجہ حاصل کر کے اپنے آپ کو اس کوشش اس ٹریک پہ لانے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کی رضا والا کام ہے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والا کام ہے. لیکن اس ایک چیز جو کھو گئی ہے وہ یہ میرے اندر ٹالرنس نہیں ہے. میں ایک رائے رکھتا ہوں کہ یہ کام بڑا اچھا کام ہے، اس خاص طرح کی میری لباس ہونا چاہیے، خاص طرح کا حلیہ ہونا چاہیے، اگر اس کے مطابق وہ فٹ نہیں ہے وہ تو جہنم میں جائے. میرا کام بھائی جہنمیوں کو بچانا ہے جہنم سے، مجھے ہمیں دوزخ سے بچانا ہے، مجھے دوزخ میں بھیجنا نہیں ہے، مجھے ان کو لوگوں کو جہنم حاصل کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہونا، مجھے ان کو بچانا ہے. اگر مجھے بچانا ہے تو میرے دل میں محبت ہوگی، اس پہ نرمی ہوگی. یہ کون ہے؟ یہ مذہبی آدمی ہے، ریجیکٹ جاہل. یہ کون ہے؟ سیکولر کافر بدترین آدمی. یہ مذہبی، یہ سیکولر، یہ کس مصیبت میں ڈال دیا گیا ہوا ہے؟ اس سے باہر نکلنا چاہیے، ہمیں انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم اچھے انسان بنیں گے، اگر دنیا کے اندر جس طرح لان میں لگے ہوئے پھول اپنی طرف آنکھیں مائل کرنے پہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، اسی طرح اگر ہم لوگ اس قابل نہیں ہوں گے کہ آج کی غالب تہذیبیں جب آنکھ اٹھائیں تو وہ دیکھیں کہ دنیا کے سچے ترین لوگ یہ کلمے بھی مان رکھنے والے ہیں، یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، یہ لوگ چیٹنگ نہیں کرتے، یہ ملاوٹ نہیں کرتے. اب یہ ساری بیماریاں میرے اندر ہوں اور میں صحت مند لوگوں کو کہوں کہ یہ بدترین لوگ ہیں اور اپنے لیے میرا کوئی دھیان نہ ہو، آئی ایم سوری میرے سے ناراض نہ کوئی ہو جائے، میں تو محسوس کرتا ہوں آج ایز اے مسلم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان رکھتے ہوئے اس بات کی ضرورت ہے کہ مجھے شکر گزار ہونا چاہیے ان تہذیبوں کا. آج میں موبائل ان کا دیا ہوا استعمال کرتا ہوں، آج میں گاڑی ان کی دی استعمال کرتا ہوں، آخر مجھے بھی تو کچھ دینا چاہیے. آج مسلم جو میرا دین ہے اسلام، مجھے اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج کا بچہ، آج کا انسان، کیا ہمیں خالق نے کچھ لوور انسان بنایا ہے؟ کبھی اسپین میں، کبھی گرناٹا میں، کبھی بغداد، کتنا عروج تھا ہمارا، وہ کیوں کھو گیا؟ اس لیے کھو گیا ہے کہ ہم نے کوالٹیٹیو اپنا معیار ڈاؤن کر لیا ہے. جب تک ہم دنیا کے اندر، اب جاپانی کو کسی کو دعوت دینی ہے، آپ جرمن کو دینی ہے، چائنیز کو دینی ہے، آپ ان سے بہتروں کو دعوت دو گے نا. اگر آپ سے بدبو آ رہی ہو، اگر آپ سے ہی گن آ رہی ہو، تو آپ کیسے کسی کو دعوت دے سکتے؟ وہ تو کراہ سے پیچھے ہٹ جائے گا آپ سے، وہ آپ کی طرف اٹیک نہیں ہو سکتا. ہمیں اس معاملے کے اندر ایک کریٹیکل جائزہ لینا چاہیے، لیکن وہ ٹالرنس کے ساتھ، نفرت کے جذبوں کے ساتھ کبھی راستے نہیں نکلتے. راستے نکلنے ہیں ٹالرنس کے ساتھ، تہذیبوں میں انٹریکشن کے ساتھ. جب میں لاسٹ اپنے ٹرپ کے اندر مختلف ٹیمپلز میں گیا ہوں، بدھا کے، تازو کے، کنفیوشس پہ، مجھے کچھ مسلم دوست کہنے لگے، بھائی ایک کم لگتے ہیں، تو مسلمان ہے؟ میں نے کہا بھائی میرا اللہ، میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے مجھے یہ چیز انیشیٹو ملتا ہے کہ میں ان سے مکالمہ نہیں کروں گا، اس سے میری دوستی نہیں ہوگی، میرا تعلق نہیں ہوگا، اور میرے اندر کوئی اگر جان ہوگی تو وہ دین سے متاثر ہوں گے. تو اگر میرے اندر کوئی کرنٹ نہیں ہے، میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے متاثر کرنے والی، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. باقی ان تہذیبوں کو جب تک ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، ان سے مکالمہ نہیں کرتے. مکالمہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ان کے ساتھ کوئی رابطہ بڑھے، ان کے ساتھ ریلیشنز ہو. ہم لوگ یہ جو ایک عجیب سمجھاج ہمارے اندر بن گیا نا، کہ پتہ نہیں ایک کفیت تاریخ کر لیتے ہیں کہ ساری جو ہے دنیا کو جو ہم لوگوں نے فارغ کرنا ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا بس دنیا کے بہترین. تب ہی ہو سکتے ہیں جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پہ چلیں. اگر اس پہ حکم پہ نہیں چلتے، کام وہ کرتے ہیں جو اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں، تو وہ دنیا کے اندر یہ معاملات ایسے نہیں پڑھ سکتے ہیں. پھر جو حالت ہماری اس وقت دنیا میں مختلف جگہوں پہ ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، ایسٹ تیمور آزاد ہو جاتا ہے، سوڈان آزاد ہو جاتا ہے، کشمیر کو آزادی میسر نہیں آتی ہے، افغانستان میں جو حال کیا گیا ہے وہ میسر نہیں آتا ہے،
तो उस मामले के अंदर बजाय हमें दुनिया का देखिए उन्होंने जो करना है वो कर रहे हैं, लेकिन हमें जो करना है हमने अपना काम छोड़ दिया हुआ है। जब तक हम वो काम नहीं करते जो हमारी असल जिम्मेदारी है, तब तक ना हम आगे बढ़ सकते हैं ना हमारे अंधेरे खत्म हो सकते हैं। हमें ख्वाब ख्वाब होता है तबीर के सफर के लिए। जब आप ख्वाब देखते हो, आप हसीन माजी का जिक्र करते हो, तो वो जो अगर अमल में मादा नहीं करता आपको, फिर तो ख्वाब तो आपको आपकी रातें लंबी करेगा। आप एक खास नशे एक तफीर में रहेंगे अगर वही ख्वाब आपको अमादा करे दुनिया के अंदर कि आज फिर देखिए नबी ने नहीं आना, खातमुन नबीन थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम ने नहीं आना, क्योंकि सुबह मुयस्सर नहीं आ सकती। लेकिन इस मुआशरे के अंदर वो फूल तो खिलने चाहिए, इमाम गज़ाली जैसे, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जैसे, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जैसे, अमीर हुसरो जैसे, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसे, ऐसे बड़े बड़े लोग मुआशरे में आए तो मुआशरे आगे बढ़ते हैं, मुआशरे अपनी पहचान कराते हैं, तहजीबें खड़ी होती हैं। लेकिन ये सारी की सारी जो चीज है वो तभी होगी कि मेरा दूसरे की तरफ हाथ की बजाय मेरा अपनी तरफ हाथ होगा। मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैंने जिंदगी में अपनी जो जिंदगी के अल्लाह ताला ने ये नेमत दी है, ये बहुत बड़ा तोहफा है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अगर इस जिंदगी को मैं दुनिया के अंदर उस खास रुख पे नहीं ले जाता जो अल्लाह खालिक ने दी है। मैं कल की बात शेयर करता हूं, कल दरवाजे पर बैल होती है, छोटे मेरे बच्चे हैं 5 साल के, बागे बाबा हमने बाहर जाना है, क्या मसला है, नहीं जाना है हमने। मेरे को पूछो कौन है जी, वो दूध वाला आया, दूध लिया, वो एक बाग का हुआ बेटा जाना और बेटी के साथ चला गया, उनको मैंने 2 पौधे दिए हैं, बेटा ये आपका पौधा है, ये आपका पौधा है, कुछ गमले के अंदर चेरी के पौधे लगे हुए। अब बेटा खुश से खिलखिला होता कि अल्लाह ताला ने मेरी मेरे पौधे को चेरी का फल लगा दिया, मेरे खाना है, बेटा खट्टा भी नहीं है। अब बेटी लड़ रही है उससे कि मेरा भी रेड नहीं हुआ तो मैंने ये वाला मेरा हो गया, अब ये क्यों मैंने अडॉप्ट किया। मैंने बुद्धिस्ट से पूछा कि ये बताओ कि अल्लाह ताला के ईमान के लिए आपका मजहब अलग है, लेकिन आप ये क्रिएटर पे ईमान कैसे लाते हो। कहते हैं ये तो बड़ा आसान काम है, आप नबाता से ताल्लुक पैदा कर दो। एक बुद्धिस्ट की ट्रेनिंग हम कैसे करते हैं कि उसको उस नबाता से जोड़ देते हैं, उस पौधे से जोड़ देते हैं, जबकि इसके मुकाबले में आप कुरान पाक खोलिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं, जमीन के अंदर अलग अलग निशानियां, शहद की मक्खी के अंदर अलग अलग निशानियां। हमारा ये बात बिल्कुल मन कर दिया हम लोगों ने, अब इन चीजों को पढ़ने के लिए फिर अव्यार के पास जाना पड़ेगा ना हमें। अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दिए हुए पैटर्न को इख्तियार कर लें, हम अपने ज़हन का इस्तेमाल शुरू करें उस बीज की तरह, जो बीज के अंदर जिस तरह अल्लाह ताला ने इनबिल्ट आम की गुठली में कितना बड़ा पौधा छुपाया हुआ है, एक छोटे से पौधे के अंदर कितने फूल निकलते हैं, इसी तरह हर इंसान को अल्लाह ताला ने खास सलाहियतें दी हैं। हम लोग उस ज़हन को बंद कर देते हैं, उसको फिल करते हैं, कुछ कहते हैं कि बस ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। हालांकि उसको गाइड जरूर करना चाहिए कि ये बेटा काम ठीक है, ये बेटा काम गलत है, लेकिन उसको एक एनवायरनमेंट दे, उस बीज को, उस गुठली को एक एनवायरनमेंट दे। उस अपने बेटे को एक मिसाली इंसान अगर बनाना चाहते हैं तो बजाय उसको कोई चीज जबरदस्ती ठोंसने के, उसको ये शऊर दें कि ये बेटा राइट है, ये रॉन्ग है, ताकि अपनी जो भरपूर जिंदगी है उसके अंदर वो फैसला कर सके कि ये हदूद जो दी है ये अल्लाह ताला ने इन हदूद के अंदर रहकर चलना सिखाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा ये है। तो वो खुद चलेगा, वो खुद सोचेगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप उसकी सलाहियतों को जंग लगा देते हो उस मुआशरे के अंदर, जहां आप एक नॉर्मल लेवल के लोग हो, वो तहजीबें वो मुआशरे आगे नहीं निकलते, वो हाजिर वक्त के जो गुठलियां हैं उनको नहीं सुलझा पाते। आज अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी जिंदगियों में वो काम करने की कोशिश करें जो अल्लाह की रजा वाले हैं, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा वाले हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे मोहतर मेहमान रास्ते की थोड़ी सी गलती लगनी, वैसे लेट हो गए हैं, वो अब मैक्सिमम 5 मिनट में इंशाल्लाह पहुंच जाते हैं, और इस टाइम को पूरा करने के लिए अब मैं जनाब परवेज अहमद खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो 5 मिनट के लिए जनाब अपने किताब से हम करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये दो चार मिनट के लिए हुक्म हुआ है कि फिलिंग की प्लान की जाए, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि आजकल हमारा 90% रुझान यही है कि इस्लाम को दिखाया जाता है, किया नहीं जाता, और लोग कहते हैं कि खताबत ही खताबत है, जहाँ भी आप चले जाएँ हमारे समेत खताबत ही खताबत है। अल्लाह के फजल से चारों तरफ आप देखेंगे उलमाए इकराम हैं, दानिशवर हैं, प्रोफेसर हैं, जहाँ भी आप चले जाएँ आपको सवे ज़्यादातर खताबत ही मिलेगी। लेकिन जब हम मंबाए हदायत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखें तो वहाँ आप गौर कीजिए कि खताबत बिल्कुल कम से कम है, शायद 5-10% खताबत है, लेकिन उनमें ज़्यादा क्या है, असबाए हुस्ना, एक मॉडल अगर वो देखें तो रसूल खुदा बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन बाप है, बेहतरीन कमांडर हैं, बेहतरीन जज हैं, अपने अमल से वो साबित करके गए हैं कि बेहतरीन इंसानियत का नमूना क्या है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने दानिशमंदी को भी इस्तेमाल किया, हमने मज़हब को भी इस्तेमाल किया, और खताबत ही खताबत किए जा रहे हैं 60-62 साल से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। कल हमारे यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मोहतरम ख्वाजा आसफ साहब तशरीफ लाए थे, आप गौर कीजिए कि उन्होंने 11:45 का टाइम हमें दिया, चले 12 बजे तक होगा, वो अल्लाह का बंदा 1:30 बजे आया और उसको कोई इस बात का एहसास नहीं कि यहाँ 150-200 बंदा बैठा हुआ है। एक लफ्ज भी उसने ये अपोलोजेटिक नहीं कहा कि चले इससे कुछ दिल रह गए, और जब भी ये हमारे हुक्मरान आते हैं आप देख लें 2-2 घंटे ले। तो कल डॉक्टर असलम डार साहब ने वहाँ जिस सूरत का तलावत की उसमें साफ ये भी कहा कि तुम बहुत जल्दी दौलत देख लोगे, तुम देख लोगे और जल्दी दौलत देख लोगे, और फिर तुमसे पूछा जाएगा कि तुम क्या करते थे। तो आप जरा गौर कीजिए कि हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है कि वो 1.5-2 घंटा के बहुत तशरीफ लाए, और मैं आपको मिसाल अपनी देता हूँ कि मैं किसी मेडिकल मसले में लंदन गया तो वहाँ का जो सर्जन था, ही माइट बी द टॉप सर्जन ऑफ लंदन, आप मानेंगे कि 1 बजे का उसने मुझे टाइम दिया और 2 मिनट कम 1 बजे वो रिसेप्शन पे आ गया और उसने कहा जी मिस्टर खान कहाँ है, आए मेरे सामने। तो ये कंपैरिजन आप देख लें कि हम उनको कहते हैं कि वो कुफार हैं, वो काफर हैं, वो गैर मुसलमान हैं, और हम मुसलमान हैं। फर्क ये हो गया कि हम मुनाफिकीन बन चुके हैं, 90% हम में मुनाफिक लोग आप मौजूद हैं, नमाजें भी हो रही है, हज भी हो रहे हैं, ज़कात भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप गौर कीजिए रिश्वत पूरे जोर पे, करप्शन अपने आसमान पे है, और झूठ की पूरी मैं कहता हूँ रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हमारे हुक्मरान ना इनको वादे का पता, ना इनका कोई किरदार है, अगर ये करप्शन के मुतल्लिक कैसे कह सकते हैं जबकि वो खुद करप्ट है। तो इसलिए बात ये है कि जब जब भी हमें अब अपने मुल्क को सही मायने में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान या वेलफेयर स्टेट बनाना है तो खुदा के लिए आप खताबत छोड़ दीजिए। वो मेरे एक दोस्त है, आजकल तो नहीं इधर होते, मोहतरम बल्ली साहब, अब उनका एक शेर आपकी नजर करता हूँ, उन्होंने बताया है किसी का कि आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, पैकरे अमल बनकर गैर की सुना। बात तो यही है, आप देख लें हमारे औलिया इकराम को, आप उनकी जिंदगी को गौर से देखें, हजरत दादा साहब, हजरत अजमेर मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, या आप
जाके अजोधन में जिसको हम बागपटन कहते हैं वहां बाबा फरीद शकरगंज यकीन करें ये वो वारस है रसूल खुदा के, उनकी जिंदगी भी उन जैसे थी, उनके कौल भी उन जैसे थे, उनके वादे भी उन जैसे थे, उनका किरदार भी वैसा ही था। इसीलिए आपने देखा कि पूरे बर सगीर में लाखों मुसलमान हुए, लाखों हिंदू मुसलमान हुए। अजमेर शरीफ वालों का रिकॉर्ड है 80 लाख। अजोधन एक इलाका था, ये बागपटन हिंदुओं का गढ़ था, लेकिन जब अल्लाह का एक बंदा वहां पहुंचा जो सही वारिस रसूल था, तो आज देख लें कि वहां क्या हाल है। लेकिन हमें क्या है, हम PhD भी हैं, हम डॉक्टर्स भी हैं, हम इंजीनियर भी हैं, लेकिन डेवलिश नॉलेज हमारे पास है, हमारे पास पॉजिटिव नॉलेज नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमें कभी किसी ने शुरू दिन से ये डेवलिश नॉलेज और डिवाइन नॉलेज का इम्तजाज ही नहीं बताया। ये सीरियस हैंडल बेचारा अल्लाह के फजल करम से क्या है, थोड़ी सी फिर खताबत ही खताबत, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी मायूसी की बात भी नहीं। अब मैं इसके फेवर में आपको बात करता हूं कि आपके मुल्क में ईदी भी है, आपके मुल्क में इंसाफ भरनी भी है, आपके मुल्क में डॉक्टर कदीर भी है, आपके मुल्क में माशाल्लाह बेहतरीन प्रोफेसर बेहतरीन डॉक्टर मौजूद हैं, बेहतरीन दानिश्वर मौजूद हैं। आप अपने शहर में देखिए, ये चैंबर ऑफ कॉमर्स में माना कुछ नकायज होंगे, लेकिन खुदा दुआ है कि दुनिया के बेहतरीन चैंबर में से ये एक चैंबर है जो इंसानी खिदमत कर रहा है। यहाँ सुंदस वालों को देखिए, थैलेसीमिया वाले मौजूद है, खून के कैंसर का इलाज हो रहा है, बेहतरीन हो रहा है। पाक सेंटर चाहिए, वहां हेपेटाइटिस हो रहा है। रिट्रैक्टेड बच्चों का हॉस्पिटल देखिए, वहां काम बेहतरीन हो रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि हमारे आइए जी बिस्मिल्लाह, हमारे मुल्क में मायूसी है, लेकिन 20% के करीब लोग अब भी हमारे मुल्क में बेहतरीन काम कर रहे हैं। दुआ कीजिए कि हम 20% से इसको अमलन 80% की तरफ ले जाइए। लेकिन एक बात याद रखिए, अब खताबत छोड़नी होगी, अब इन बातल ताकतों के खिलाफ हमें अमलन सामने आना पड़ेगा, ताकि हम इन जलील और जो बिल्कुल गए गुजरे हमारे हुक्मरान हैं, इनको कहीं उतार के फेंके और सही और साले लीडरशिप आ गया। बहुत शुक्रिया। मैं परवेज साहब परवेज खान साहब का खसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस गैप को बड़े अच्छे तरीके से कवर किया। अब मैं जनाब आपको बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद अख्तर अब्बास साहब तशरीफ ले आए हैं, और अब मैं उन्हीं को दावत दूंगा कि वो अपने ख्याल पेश करें। जनाब मोहम्मद अख्तर अब्बास साहब जो कि एडिटर उर्दू डाइजेस्ट है और सबक एडिटर है फूस रिसाला जो निकलता था, अब उनसे गुजारिश करूँगा। दुआ आमतौर पर वो मांगी जाती है जो फिलहाल के आपके दिल में, और इस दुआ के बारे में अल्लाह के रसूल ने खुद चुके बताया कि ये दुआ ऐसी है जो रब को पसंद है,
اور رب نے خود تعلیم کی ہے. ایسے خوبصورت لفظ ہیں اس کے دل کو چھو لینے والے, اور آپ کے ہونٹوں سے نکلتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آپ کو مل رہا ہے. اے رب میرے, مجھے ایسا علم عطا کر جو میرے لیے نفع کا باعث ہو, میرے لیے عزت کا باعث ہو, میرے لیے خوشی کا باعث ہو, میرے لیے راحت کا باعث ہو. مجھے اپنی نظروں سے اٹھا دے, مجھے لوگوں کی نظروں میں اٹھا دے. ایسا علم جو مجھے چھپانا نہ پڑے, ایسا علم جو مجھے لوگوں کی نگاہوں میں گرا نہ دے, ایسا علم جو میرے لیے نقصان کا باعث نہ بن جائے. اور رب مجھے رزق اتنا دے کہ جو پاکیزہ ہو اور وسیع ہو, مجھے ترسنا نہ پڑے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے, مجھے دل میں حسرت اور وہ جو خاص کیفیت ہوتی ہے وہ نہ آئے. یہ کوئی اور نہیں بتا رہا, رب بتا رہا ہے کہ مجھ سے رزق اتنا مانگو جو زیادہ ہو. زیادہ ہوگا تو ہم دوسرے کو دینے کے قابل ہو پائیں گے, اپنے والدین پہ, سوسائٹی پہ, لوگوں پہ. اور رب میری جو زبان ہے یہ نرم رہے, یہ لسانن ذکرن, اس پہ ہمیشہ تیرا ہی ذکر چلتا ہے. اس زبان کی خوبی, قوت, خوبصورتی, نرمی کسی اور چیز سے نہ ہو. اور چوتھا بہت ہی کمپریہنسو اور خوبصورت, کہ جب پلٹ کے ہم تیرے پاس آئیں عمل متقبلا, تو فار گاڈ سیک یہ چیزیں پلٹا کے ہمیں واپس ہمارے منہ بنا دے مارنا کہ تم کیا کر کے آئے. اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے, اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, اتنے بڑے بڑے لفظ اور پوسٹر لکھتے تھے, اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھیں, اتنے بڑے بڑے اخبار چھاپے, اور کر کے کیا ہے, میرے لیے کیا کیا, تو اپنے لیے کر کے آ گئے. عمل متقبلا, اتفاق یہ کہ میرے دوستوں میں جو اکثریت ہے وہ مجھ سے بڑی عمر کے ہیں, اور یہ بائی چوائس ہے. جب میں نے ایچ آر میں اسپیشلائزیشن کی اور ٹریننگز میں آیا تو پتہ چلا کہ ایک لفظ نیا مغرب استعمال کرتا ہے, مینٹورنگ. کہ پروفیشنل لوگوں سے محبت کرو, ان سے سیکھو, ان کی زندگی کا رس ہے اس کو کشید کرو, ان کا 40-50 سال کا جو علم ہے, جو فہم ہے, جو تجربہ ہے, ان پہ وہ 40 سال بیتے ہیں, تم اس بیتنے سے پہلے ان سے سیکھ لو کہاں انہوں نے غلطی کی, کہاں کوتاہی کی, کہاں وہ خوش ہوئے, کہاں ان کو سکھ ملا, کس رشتے نے ان کو دکھ دیا, کس رشتے نے ان کو زمین پہ گرا دیا, ان ساری چیزوں سے بچ جاؤ. انگریزی میں کہا جاتا تھا آدمی اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے. ہمیں ہمارے بڑے بتاتے تھے دوستوں کا انتخاب بڑے احتیاط سے کرو. کچھ سال ہوئے میرے دوست ہیں پاکستان کے بہت ہی مشہور آدمی ہیں, یہ وہ پہلے فرد ہیں جن کو اللہ نے یہ سعادت بخشی. ایک خواہش چھوٹی سی انہوں نے کی کہ یا اللہ ساری دنیا میں تیرا گھر ہے اور اس کی کالی کالی تصویریں ہیں, اچھی نہیں لگتی, تو مجھے کوئی ایسا موقع دے کہ میں تیرے گھر کی سب سے عمدہ اور خوبصورت تصویر بناؤں, میرے دل کو اچھی لگے, لوگوں کو بھی اچھی لگے. یہ وہ آرزو لے کے خانہ کعبہ پہنچے, وہاں انہیں پولیس نے پکڑا, ان کا کیمرہ اٹھا کے زمین پہ مارا, توڑ دیا. حرام چیزوں کے بارے میں ہمارے کانسیپٹ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں, یہ زندگی ہے, جامد نہیں ہوتی. روتے ہوئے واپس آئے, تب وہ امارات میں رہتے تھے, وہاں کے ایک وزیر ان کے دوست تھے, ان سے بتایا کیا میرے ساتھ کیا ہوا, انہوں نے سعودی عرب کو لکھا, سعودی عرب نے ان کو پھر بلایا, وقت لگا, اور ایک ایسا وقت آیا کہ ان کو ہیلی کاپٹر ملا, اور ہیلی کاپٹر میں لٹک کے انہوں نے خانہ کعبہ کی پہلی دفعہ, تاریخ میں پہلی دفعہ رنگین تصاویر بنائی. پھر وہ ساری عمر اسی کام پہ ہو لیے, آنے والے 40 سال وہ اٹلی جاتے تھے, وہاں تصویریں ڈویلپ کرتے, اور پھر دنیا بھر میں یعنی کروڑوں جو تصاویر ہیں خانہ کعبہ کی وہ ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے.
उन्हें मुसव्वर एक अल्लाह ने अलग से, अच्छा अब इस पे वो रोते हैं कि पता नहीं अल्लाह को ये पसंद है कि नहीं है, तो मैं उन्हें हंसता हुआ कहता होता हूँ कि रब वो दिल में आरजू ही नहीं डालता जो उसने पूरी ना कर ली। ऐसा हो नहीं सकता कि रब आपको एक रास्ता दिखाए, उस पर चलाए, उस पर आपको लोगों की मोहब्बत दे, इज्जत दे, दिल का इत्मीनान और खुशी और सुकून दे, और आखिर में आप कहें मैं तो सारी उम्र गुनाह करता रहा। हो नहीं सकता। हुआ यह कि उनकी अहलिया फौत हुई तो हम उनके घर गए ताजियत के लिए, तो उनका बड़ा खूबसूरत सा ड्राइंग रूम ऐसा जिसमें पांव आपके धंसते हों कारपेट में, मेरे साथ मेरे दोस्त थे अकरम जुबैर, हम दो थे और वो घर पे नहीं थे। पूछा कहां है, पता चला मस्जिद में गए। मस्जिद उनके गुलबर्ग, अगर आपने देखा हो तो गुलबर्ग में मस्जिद शान इस्लाम है जहां एमएम आलम रोड के बिल्कुल बैक पे खाने का इलाका है। वापस आए तो मैंने पूछा शेख साहब खैरियत थी, उन्होंने कहा खैरियत थी, शुक्राने के नफल पढ़ने गया था। अच्छा हम सारे वो लोग हैं जिंदगी भर हमने ऐसे ही गुजारी है, खबर सुनते हैं सुन के भाग पड़ते, हम खबरों लफ्जों और बातों का जो रिजल्ट है अपने मन में ऐसे करके निकालते ये सोचे बिना कि अगले की परसेप्शन क्या है, और उस पर नाखुश होने का फिर ढेर लगा लेते अपने पास। तो मैंने कहा अपनी बीवी से अब इतने नाखुश थे, इतने नाराज थे कि उसके जाने पे अभी एक दिन हुआ बेचारी को गई, अब तो फौरन पहुंच गए शुक्राने के नफल पढ़ना। कहने के हाँ नफल तो शुक्राने के पढ़ के आया हूं, पर इस बात के पढ़ के आया हूं कि मेरा उसका कोई 52 साल का साथ था और वो दुआ करती थी कि मुझे आपके हाथों में मौत आए, आपके जाने के बाद मेरी औलाद ना मुझे संभालना पड़े और मैं उनका उस दुख से दोचार ना हूं जो आमतौर पर औलाद के हाथों में होता है। सारी उम्र तुमने मुझे राज कराया, चुगरानी बना के रखा, शेखानी बना के रखा, और अगर तुम पहले चले गए और मैं बाद में मरी तो वो जो एक बेबसी की कैफियत होती है, आपका सर का साई नहीं है, कभी बेटे को देखो, कभी आप दामाद को देखो, कभी किसी और अजीज को, एकदम से आपका स्टेटस बदल जाता है। अच्छा इस बात का मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह कैफियत, यह सोच भी हो सकती है। अभी हम बैठे थे कि उन्होंने ऊपर इशारा किया, जो पंखे थे उस पर वो गोल्डन लाइनें लगवा रहे थे। अच्छा मेरे लिए फिर ये अजीब एक हैरत की बात थी कि बीवी मरे एक दिन हुआ और आप ड्राइंग रूम के पंखों पे गोल्डन लाइनें लगवा रहे। तो उन्होंने कहा असल में मरने से चंद रोज पहले उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा जी चाहता है कि आजकल फैशन में है कि जो पंखे हैं इन पे गोल्डन लाइनिंग कराई गई। अब वो चली गई है पर उसकी आरजू तो मेरे बस में है, वो तो मैं पूरी कर सकता हूं, सो मैं वो पूरी करने बैठा। दोनों बातें ऐसी थी जो मेरी जिंदगी में पहले नहीं हुई थी। मैंने पूछा शेख साहब बीवी के मरने पे रोए थे, कहने लगे नहीं, मैं तो जब मेरी बेटी फौत हुई थी छोटी तो भी नहीं रोया था। तो मैंने पूछा वो क्यों नहीं रोए थे, कहने लगे असल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी थी कि जिनके बच्चे बचपन में फौत हो जाए छोटी उम्र में, जब क्यामत के दिन सब लोग बेजारो मददगार होंगे और आरजूमंद होंगे कि कोई काश उनको वहां पहचाने और उनका इस्तकबाल करे, तो वहां कोई जान पहचाने वाला नहीं होगा, तो जिनके बच्चे छोटी उम्र में फौत हो गए होंगे वो वहां कार्ड लेके खड़े होंगे अपने अब्बे का नाम का, और फरिश्तों से कहेंगे कि वो हमारे वालिद हैं और अल्लाह उनको उनके सुपुर्द करेगा और वो अपने वालिद को गाइड करते हुए प्रोटोकॉल देते हुए जन्नत पे ले जाएंगे, और वहां लोग आरजू करेंगे काश हमारे सारे बच्चे फौत हो जाते, काश ये जो जिंदगी भर हमने 20 30 40 साल उनको पाला पोसा और फिर उनके दुख देखे, ये जो आखिरत में हमारे साथ एक बिल्कुल बेबसी वाली कैफियत है अपनी इन्वेस्टमेंट थी। हम उनके घर से बाहर निकले तो जो मेरे दोस्त थे वो बीट सेल में डायरेक्टर है, बहुत बड़ी पोजिशन पे है, उन्होंने स्टेयरिंग पे सर रखा और रोना शुरू कर दिया। देखिए खवातीन को रोता देखते हैं हम, बच्चों को रोता देखते हैं, हम आदी हैं इस बात के। कभी कोई मर्द रोए तो दिल और आंखें और आपका पूरा जिस्म उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता
ये हमारी आमतौर पर जिंदगी में एक्सेप्टेबल नहीं है। मर्द के साथ एक कुव्वत, एक बर्दाश्त, एक हौसला, एक बहादुरी का तस्वर है। और मर्द कोई रोए और आंसुओं से रोए तो आपको समझ भी नहीं आती कि आप इसको कैसे तसल्ली दें, कैसे चुप कराएं, क्या कहें इसे। और फिर आपकी उम्र का हो, हम मनसब हो, हम मर्तबा हो, रुतबे वाला हो, कोई मसला भी ना हो और वो रोए तो आप सोचे किस मुश्किल में। तो मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा और पूछा खैरियत थी। कुछ शेख साहब ने ऐसी बात कही जो आपके दिल को लगी। तो उसने सर उठाया और मुझे कहा अख्तर अब्बास, तुम जानते हो पिछले 7 साल से मैं तेरे रब का मुनकर था। अच्छा, मुझे एकदम धचका लगा जैसे कोई आपको तलवार का जख्म दे। आपका भाई, आपका दोस्त, यानी 18 साल से मेरी उससे दोस्ती हो और वो कहे कि पिछले 7 साल से मैं तेरे रब का मुनकर था और मैं तो उसको मानता ही नहीं था। और वजह ये थी कि मेरी एक ही बहन है जो फैसलाबाद में रहती है और उसका एक ही बेटा था 5 साल का, और तेरे रब ने पूरा फैसलाबाद शहर छोड़ के मेरे भांजे को क्यों उठाया मुझे इसका जवाब नहीं मिलता था। तो मैंने तेरे रब का इनकार कर दिया और आज 7 साल बाद इन 7 सालों में किसी ने मुझको ना पूछा, ना मेरे दिल में झांका, ना मुझ पर क्या बीती उसको जाना, उसको जांचा। आज इस बाबे ने जिसकी बीवी मरी है और जो इन पंखों को इस गोल्डन लेयर्स लगवा रहा था, वो ये कहता है जब उसकी बेटी मरी थी तो वो रोया नहीं था, इस पर वो खुश हुआ था और अपने रब का उसने शुक्र अदा किया इस बात पे कि उसका तोहफा था, उसने वापस ले लिया। तोहफों के साथ तो यही होता है, तोहफों पर मिल्कियत नहीं होती। हम शादियों पे लोगों के तोहफे लिखते हैं कौन क्या लेके आया, क्योंकि हमने उनसे लेन देन करना होता और दुखी होते हैं, मैंने बड़ा तोहफा दिया था, इसने छोटा दिया, मैंने तो इसकी बेटे के बेटी पे इतना कुछ दिया था और ये इतने से लेके आ गया। तो रब के साथ तो हमारा कोई लेन देन का मामला ही नहीं है। वो जब तोहफा देता है औलाद की शक्ल में तो इनफैक्ट ये तो नवाजता है, क्योंकि बुकिंग तो हमने नहीं करवाई होती, ना पेमेंट भी कोई नहीं की होती, ना हमारा जोर होता है, ना जबरदस्ती, ना गुजारिश, ना सिफारिश। वो देने पे आए तो 12-12 बेटे दे दे, वो ना देने पे आए तो सारी उम्र आप तरस के रो रो के मर जाए, बच्चा आपके घर आके नहीं देता। वो चाहे तो बेटे का आपको शक्ल ना दिखाए, बेटियों की लाइन लग जाए, और वो चाहे तो लोगों को हमने बेटियों के लिए आंसुओं से रोते देखा है, या अल्लाह प्लीज एक बेटी दे दे, मेरे घर में रौनक ही नहीं। इश्फाक साहब कहते होते थे जिस घर में बेटी नहीं है रब कमीनों को बेटियां नहीं देता। और हम उनकी बात सुनकर उनकी तरफ देखते थे, उनके 3 ही बेटे थे, उनके यहां बेटी भी नहीं थी। ये जिस पे बीती है उस नेमत को लेने के बाद या कभी कोई मतलब गौर करता है तो उसकी जिंदगी और ढंग से चलती है। आहदू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक बिल्कुल और तरह का है, चूमने वाला, कहीं खुश हो जाने वाला, कहीं किससे लड़ पड़ने वाला। ना हमने उनको देखा, ना हमने उनके साथ जिंदगी बसर की। खुद कभी मैं गौर करता हूं अपने पे, 18 साल पढ़ा, जो आला तरीन कोई डिग्री हो सकती है उसके साथ जिया, एमए किया, फिर स्पेशलाइजेशन की, फिर एमफिल किया, फिर वो किया जो करने का जी चाहा, दुनिया भर की हर किताब खरीदी, पैसों से खरीदी, जहां पसंद आई वहां से भी ली। फिर मैं ये कहूं कि मुझे आहदू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत है तो अल्लाह मुझे माफ करे, आमला मुतकब्बलन, अब तो मैं डर से कांपता हूं। 30-40 साल पहले तक तो मैं बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाता था कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो सच है, अब मुझे डर लगता है कि ये तो झूठ माना जाए। एवरेज 40-50 साल की उम्र में कितने साल आपने अपने महबूब के साथ बसर किए, दैट्स एक छोटा सा सवाल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। जिससे मोहब्बत करते हैं उसके साथ जीने को जी चाहता है। मेरा ख्याल 15-20 साल होने को आया जब मैंने पहली दफा आहदू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत महसूस करते हुए उनसे मिलना चाहा। बुखारी मैंने खरीदी, मुस्लिम खरीदी, अब उसको पढ़ना शुरू किया।
नावल आमतौर पे मैं दो रातों में 4-5 सफे का खत्म कर देता हूं। बुखारी को कई माह लगे पढ़ते हुए फिर पता चला कि इतने साल जहालत में गुजरे, जिस बंदे से मोहब्बत करता हूं मैं जानता ही नहीं था वो किस चीज को पसंद करता है, वो क्या चाहता है, वो क्या बताता है, उसकी जिंदगी कैसी थी। इन्होंने बता दिया एक लफ्ज एक हदीस मैंने सुन ली, उन्होंने दूसरी बता दी मैंने वो भी सुन ली, अखबार में आ गई मैंने सुन ली। क्या तीन हदीसों से किसी आदमी की शक्ल, उसका हुलिया, उसकी जिंदगी मुतय्यन की जा सकती है? क्या खबरों से किसी के बारे में आप तय कर सकते हैं वो जिंदगी कैसी बसर कर रहा है, वो कैसी जिंदगी चाहता है, और अल्लाह माफ करे ऐसी जिंदगी जिसके साथ आपकी आखिरत जुड़ी हुई हो? यानी आप उसको ना मानो तो सीधे वहां जाके गिराए जाओ कि जिसके बारे में तसव्वुर करके इंसान कांप जाता है। हमारे पीर साहब एक बुजुर्ग होते थे, हम पीर कहने से डरते हैं, बुजुर्ग होते थे, वो कहते होते थे कि एक पीर बुनियादी तौर पे अगर अच्छा इंसान का बच्चा हो तो उस्ताद होता है, जो जिंदगी में सिखाता है। उसका एक सख्त जान था, शागिर्द था, जो जल्दी मानता नहीं था। उसने कहा बेटा हुक्का सलगाना है वो जाओ मुझे कहीं से आग ला के दो। वो चलता रहा, उसे आग नहीं मिली। फिर वापस आया, कहा नहीं मिली, तो कहा वो देखो पहाड़ की चोटी पे आग जल रही है, वहां से लेके आओ। वो मुरीद वो शागिर्द चलता चलता पहाड़ की चोटी पे पहुंचा, पता चला वहां दोजख है और दोजख का जो द्रोहा है वो बैठा हुआ कुर्सी डाल के। हमारे दादाजी कहते होते थे कभी कोई बुजुर्ग कभी कोई उस्ताद कहानी सुनाए तो उसकी तहकीक करने मत बैठ जाया करो, फौरन तुम टेस्टर निकालते हो और लगा देते हो करंट आ रहा कि नहीं आ रहा, ये कहां से आया। वो अल्लाह के बंदे, वो तुमसे डबल ट्रिपल उम्र का है, जो उम्र उस पर बीती है उसने छोटों को सिखाने के लिए वो चीज घर ली है। ये बड़ों का हमेशा से मिजाज रहा है, वो घरते थे। हमारी पूरी तारीख इस्लामी तारीख में इसराइलियात की इतनी कहानियां हैं जिन्हें हम आमतौर पर नहीं पढ़ते, हमारे उलमा इकराम सिर्फ वही पढ़ के सुनाते हैं और ये चीज वैसी की वैसी रह जाती है अनटच्ड। कहानी में मजा तो आता है, सबको अच्छी लगती है। आदू के जमाने भी मक्का में बकायदा बाजार में खड़े हुए लोग दास्तानें सुनाते थे, मैं मिस्र गया, मैं शाम गया, मैं वहां ये देखा, पूरी पूरी लोग दास्तानें सुनाते। अब उस शागिर्द ने उस दरोगा से कहा कि भाई मुझे तो आज चाहिए, पीर साहब ने जलाना है हुक्का। उसने कहा भले आदमी तुम्हें किसने कहा मेरे पास आग होती है, ये तो दोजख है, जलते हैं लोग इसमें, सजा भुगतते। उसने कहा मैं तो बचपन से सुनता आया हूं कि दोजख में आग होती है, आग में लोग जलते और तुम जलाते हो, द्रोगे हो, तुम हाफिज हो, तुम उनको उठा उठा के फेंकते हो। उसने कहा तुमने गलत सुना, यहां तो जो आता है अपनी आग साथ लेके आता है, उसी में जलता है, हम कुछ नहीं करते उसका। कभी उनके साथ एक रात गुजार के देखिए, फिल्म में आमतौर पे 3 घंटे लगते हैं, जब वीसीआर होते थे तो जुमेरात को हम लोग 3-3 फिल्में तो इकट्ठे लोगों को देखते सारी रात देखते थे, 3 कैसेट्स ले आते थे, वीसीआर का किराया होता था, तो 9 घंटे तो एक नॉर्मल नौजवान का और थोड़े से बड़े का भी स्टेमिना है, बीच में चाय पीते रहे और फिल्में देखते रहे। और बाद में पूछे फिल्म की स्टोरी क्या थी तो आमतौर पर याद नहीं होता था, कोई कहानी थी सी याद नहीं। कभी 9 घंटे उसके साथ गुजार के देखो जिसके साथ सुबह शाम आपको सूरत बड़ी है कुछ कर किया फर्क हो, सारी रात नाते पढ़ते रहे नाते सुनते रहे, जो ही अजान आई तो आराम से सो गए। इतनी सहूलत है, उसका नाम ले जो मर्जी करें, उसका नाम ले बैंकों को लूट लें, उसका नाम ले माल रोड पे नारे लगाएं और सिटी बैंक की वो जो एटीएम मशीन है 1.5-2 करोड़ रुपए की अल्लाह माफ करे नारे मारते मारते आप उस मशीन को वहां से खींचते हो बाहर लेके जाते हो। वहां एक मम्मी एंड मी है, बड़ा मशहूर स्टोर है, उस जुलूस के दौरान जब ये अल्लाह के रसूल के नारे लग रहे थे और दुनिया को दिखाया जा रहा था, कुछ नौजवान दुकान के ऊपर चढ़े, 2nd फ्लोर पे गए, शीशा तोड़ा, पूरा फ्लोर 4 से 5 मिनट में फर्क किया, उन्होंने सब चीजें नीचे फेंकी, फिर पूरा सामान उठाया, फिर चादर में बांधा जो टेबल पे थी अपने कंधे पे रखा और पोल से नीचे उतरा और घर चला गया।
अगले रोज में उसका आई विटनेस हूँ जब टीवी पे केबल पे वो चला इश्तेहार पुलिस की तरफ से कि एक लड़का इस उम्र का है जिसने मम्मी अंडी को लूटा, अगर किसी को इल्म हो तो हमको बताए। उसी शाम एक बाबा उसके पास पहुंचा, एसपी के पास, एसपी लाहौर के पास, और जा कहा उस लड़के को मैं जानता हूं। तो एसपी ने बड़े दुख से कहा सर बहुत बेइज्जती हुई है, दुनिया भर में बेइज्जती हुई पाकिस्तान की, कैसे मुसलमान है, किस नाम पे जाके जुलूस निकाला और किस पे जाके हरकतें क्या की। तो उस बुढ़े आदमी ने उसकी आंखों में आंखें डाले बिना मुंह नीचे कर कहा अगर आप चाहें तो मैं आपको उसका पता अभी लिखवा देता हूं। तो उसने कहा जरूर, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जिसने हमारी बेइज्जती से हमारी आंखें झुका दी है। फिर उसने चार कुछ देखा, सर आप उसे जानते कैसे। उसने कहा बेटा उस बदबख्त का बाप जब से वो घर लेके आया मुझे समझ नहीं आती जमीन फट जाए और उसके अंदर समा जाऊं किसके नाम पे क्या करके आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए लिटरली हमारा दिल नहीं डरता, उनके साथ क्या क्या चीजें वाबस्ता करते हैं। अब तो हम इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब तसव्वुर नहीं कर सकते। एक गांव से आते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के बाजार में खड़े हुए तो दोनों तरफ लोग थे। अभी थोड़ी देर चले तो एक बकरी का मुर्दा बच्चा वहां पड़ा हुआ था, उसके छोटे छोटे कान थे और छोटे कान होना डिफेक्ट होता है, बकरी के बड़े लंबे कान होते। अल्लाह के रसूल को कभी जब आप उनसे मुलाकात हो कभी उनको जाने और जांचे तो आपको लगेगा दुनिया में इनसे ज्यादा मेहरबान और इनसे ज्यादा उमदा तालीम देने वाला को फर्क पैदा ही नहीं। यानी पूरी अहादीस की किताबों में आपको हैरत होगी कि उनकी कोई तकरीर 15 मिनट से लंबी है ही नहीं है। आप कभी गौर कीजिए, आपने बुखारी कुछ लोगों ने तो देखी होगी, 6 किताबें हमारी जिन पे इत्तेफाक हम करते हैं, कोई हदीस 8-10 सफ़े की है ही नहीं, यहां से शुरू होती है यहां खत्म हो जाती है, 1 सतर की, 2 सतर की, 4 सतरों की, 5 सत्रों की बात खत्म होगी, मुकम्मल हो गई और उसके बाद उसका फॉलो अप है किसी और जगह किसी और ढंग से, जैसे रब ट्रेनिंग देता बिल्कुल वैसे। तो अल्लाह के रसूल ने उस मुर्दा बच्चे का कान पकड़ा और उठाया और कहा तुम में से है कोई जो इसको एक दिरहम में ले ले। तो साहबा पीछे हटे, कहा या रसूल अल्लाह बिल्कुल नहीं। एक ने कहा अगर जिंदा भी होता तो भी ना लेता। कहा क्यों? कहा यार सोचो इसके कान बहुत छोटे, ये मुकम्मल नहीं है, अधूरा है। तो अल्लाह के रसूल ने कसम खाई उस वक्त, कहा खुदा की कसम तुम जिस कदर इस छोटे कान वाले बच्चे मुर्दा बच्चे को उसे ग्राहत खाते हो, उसको बेवकत जानते हो, तुम्हारा रब इससे कहीं ज्यादा इस पूरी दुनिया की चीजों को बेवकूफ जानता है। आपको क्या लगता है जितने लोगों ने यह बात सुनी होगी, इज इट पॉसिबल कि दिनों हफ्तों महीनों उस मुर्दा जानवर की बदबू या वो जो लफ्ज वो जो फीलिंग है वो कभी आप भूल पाते हैं उस बात? हसली कहते एक दिन खड़े थे, एक दाएं हाथ पे रेशम रखा और बाएं हाथ पे सोना रखा और कहा लोगों याद रखो इस उम्मत के मर्दों पे ये दोनों चीजें हराम है। उसके बाद कितनी लंबी तकरीर और चाहिए होगी बताने के लिए? हाँ ये तकरीरें हमें चाहिए ताकि हम वजाहत कर सके कितना रेशम है कितना सोना है। इतना सोना तो चल सकता है, इतना सोना अगर मैं इधर कर लूं फिर तो चल सकता है। आप साथ ने दिया है, ससुर ने दिया, कैसे मना कर सकता हूं? कुछ घंटे कुछ दिन सर अच्छा लग रहा है, जरा लोग देख तो लेंगे मुझे अच्छी। और ये तो बिल्कुल डायमंड की है, सोने की तो है भी नहीं, सोना अंदर उस पर लगा है, ऊपर तो डायमंड है, बहुत महंगा है। तकरीर तो मुझे करनी चाहिए, हम जो पहनते हैं उनको करनी चाहिए। वो ऐसे कमाल आदमी, अपन अंदाजा कीजिए। एक साहबी कहते हैं ये मुस्लिम की हदीस है कि नमाज हो रही थी, पीछे से एक आए साहब मस्जिद में दाखिल को देखा, रुकू में गए हुए, फौरन वहीं से हाथ बांध लिए और अब चलना शुरू किया, चलते चलते सफ में पहुंचे और जाके नियत और नमाज पूरी की। जो इस्लाम फेरा तो लोगों ने बता दिया यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन साहब ने यह हरकत की है।
ख्याल है क्या किया होगा, इतने बड़े हो गए हो, इतनी उम्र हो गई है, इतनी समझ भी नहीं है, किसी आलम से पूछा होता, किसे फतवा लिया होता, किसी कोई किताब ही पढ़ी होती। हम तो अल्लाह माफ करे कोई शर्म याद दिलाने का, बेइज्जत करने का मौका जाने नहीं देते। हमारे हाथ मौका आए सही, छोटे को हो बड़े को हो, जहां चार बंदों पर नजर पड़ी अब मेरे लिए दूसरे बंदे को जरा लेट ऑन करने का मौका है, तो हम किसी भी अल्लाह के नाम पे भी किया जा सकता है, रसूल के नाम करने में बहुत सहूलत है, आराम से कर देते हैं। जरा विजुलाइज कीजिए क्या कहा हो। हर शख्स को हम सब जानते हैं। देखिए सीरत नबी काश कोई मजमून होता, ये मजमून ही नहीं है। एचआर का नाम आपने सुना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अभी 20-30 साल से हमारे यहां आया, उसकी कुल उम्र भी 30-40 साल हो गए। उसको पढ़ाते हुए हम लोगों को ये बताते हैं कि एचआर इज नॉट अ सब्जेक्ट बाबा, इट्स अ लाइफस्टाइल। एचआर मैनेजमेंट में फर्क ही सोचने का है। एक में आप लोगों को रोब से धमका के निकाल देंगे, मार देंगे, जुर्माना कर देंगे, आधा घंटा लेट आए इतना जुर्माना होगा। एचआर में आप वो काम लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको ओनरशिप देते हैं। अल्लाह के रसूल तो इतना बड़ा ओनरशिप का मजमून है, क्या जब याद करें आपकी आंखें नम हो जाए। पर आंखें नम तब होती हैं कोई किसी के साथ जिए तो। आते हुए रस्ते में मुझे याद आया, कर्नल मोहम्मद खान बड़े कमाल एक राइटर थे, मजाहिया राइटर थे, अगर आप उनको जानते हो, मजा लिखते थे। सारी उम्र वो आर्मी के मेस में रहे। एक जनरल साहब ने कहा बस करो यार आप अपना घर बनाओ उसमें रहो। उन्होंने जो जमा पूंजी थी घर बनाया, घर बना के उसमें शिफ्ट हुए। एक ही बेटा था, बेटे ने कहा सर घर मेरे नाम लगा दें, आप अकेले हैं, बीवी उनकी बहुत पहले फौत हो। उन्होंने अच्छा बाप ऐसे ही होता है, आराम से बेटे के नाम घर लगा दिया। बेटा अमरीका चला गया, वहां जाकर उसने बीवी के नाम घर लगा। एक साल के बाद वो बीवी शिकेम में, उसने कहा अब्बा जी अकेले हैं आप तो मैस में वापस चले गए, गौ चले गए। उसने कहा बेटा ये मेरा घर है, मेरी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी मैंने इस पर लगाई है, मेरे ख्वाब मेरे ख्याल पता नहीं एक एक ईंट में मैंने अपना मन खुद खड़े होकर मैंने बनवाया, तू क्या कह रही है। उसने कहा इज्जत से चले तो ज्यादा अच्छा, वरना कल आपको मैं घर में घुसने नहीं दूंगी। एंड वेरी नेक्स्ट डे उसने लोगों को बुलाया और उनका सामान जब वो निकाल के रहे थे तो उन्होंने उस वक्त रोते हुए उसी जनरल को फोन किया कि सर आपकी फरमाइश पे मैंने अपने बेटे के नाम कर दिया था और आप मेरे साथ ये हो रहा है। तो वो जनरल साहब आए, उनका सामान उठाया और वापस अपने घर ले गए। बाकी उम्र वो जनरल साहब के यहाँ रहे या मेस में रहे और अपने बेटे को याद करते रहे। वो बेटा कैसे अपने बाप से मिला होगा आई डोंट नो, कितनी हिम्मत उसके अंदर होगी, अब तो लोगों में बहुत हिम्मत है। क्या किसी बाप ने अपने बेटे को जरा उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलवाया होता, उनसे जुड़ा होता, उनके किसी कलाम से, उनके किसी बात से, ऐसा करने का वो सोच भी पाता। यकीन माने हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते, स्वयं शर्मिंदगी का कुछ भी नहीं हमारे पास। किताबों का ढेर अब लगता जाएगा आने वाली उम्रों में, और जितने गुनाह बढ़ता है एहसास गुनाह बढ़ता है उतना लोग लिखने पे और जोर लगाते जाते हैं। हज़रत अंस के बारे में कहा जाता है कि ये बुखारी की है हदीस, वो कहते हैं मैं 10 साल अल्लाह के रसूल के पास रहा। 10 साल सर बहुत लंबा अरसा होता है। जो काम मैंने नहीं किए अल्लाह के रसूल ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। डांटना तो बहुत दूर की बात है, गुस्से से कुछ कह देना जैसे हम तो बहुत हमें सहूलत है गाली निकालने की, जिसको मोहम्मद अच्छे लगते हो उसको मोहम्मद का रवैया अच्छा ना लगे ये हो नहीं सकता। मैं और आप कितने मेहरबान हैं, हम फैसला भी करते ही नहीं है, ये शाम को घर जाके कर लीजिए।
एक जमाने में मैं हाथ देखता था, बुरी बात है, तब नहीं पता था, छोड़ दिया बाद में। तो मेरे पास एक साहब फिरोज सर के हमारे वो थे दोस्त, वो एक इंडस्ट्रीज को लेके आए, बड़ी तगड़ी चीज थी। उन्होंने कहा जी हाथ देखे, मैंने कहा नहीं सबके सामने दिखना चाहिए। उन्होंने कहा जी नहीं मैं आम ओपन। तो मैंने उनका हाथ पकड़ के कहा कि जो मर्दों में आमतौर पर तीन चार बड़ी बुराइयां होती हैं, इस हाथ की लाइनों में उस तरह की तो मौजूद है। कहने लगे ठहर जा। उस दोस्त को वहां से निकाला, निकाल के फिर कहा फिर देखें। अब जो असल मजे की बात है, मैंने कहा कि मुझे लगता है इस हाथ में इज्जत या मोहब्बत है उसकी बहुत कमी है। कह लगे नहीं आप भी गलत, आपका इल्म भी गलत। मैं तो घर जाता हूं तो मेरी इतनी इज्जत की जाती है कि बता सबर नहीं कर सकता। मैंने कहा थोड़ा मुझे मंजर बताएं कि कितनी इज्जत करते हैं। कहने जब मेरे बच्चे सब अपने कमरों में चले जाते हैं और मेरी बीवी खाना लगा के वो भी वहां से चली जाती है, इतनी मेरी इज्जत करते हैं तो बंदा मुझसे खाने के दौरान बात नहीं करता और बाद में भी नहीं करते। तो मैं वहां बिल्कुल आराम से अकेला बैठ के खाता हूँ और इतनी मेरी दहशत है, उसकी इज्जत ही है ये, आप क्या समझते हैं मेरी इज्जत नहीं। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा इज्जत की अगर मानी अब तक बदले ना हो तो ये इज्जत नहीं कहलाती। इज्जत में तो आपके बच्चे आपसे चिमट जाते हैं, इज्जत में तो आप रुकू में होते हैं तो बच्चे आपकी कमर पे आके बैठते हैं, इज्जत में हो तो लोग आपसे पूछते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बच्चों को चूमते हैं, इज्जत ना हो तो आपके गुलाम का बच्चा आपके करीब आके खड़ा नहीं होता और आप एक जानों पे हुसैन को और दूसरे पे गुलाम के बच्चे को नहीं बिठाते, ये हो नहीं सकता। अगर आप अशरम बशरा में से एक साहबी के बारे में जानते हो कि जिनका हाथ मफलूज हो गया था, जब अल्लाह के रसूल पे तीर बरस रहे थे तो उन्होंने अपना हर तीर को अपने हाथ पे सहा था और रेस्ट ऑफ द लाइफ उनका हाथ वो काम नहीं कर रहा था। ये कहां से आता है कि एक ऐसे आदमी के लिए जो आप जैसा है, उसी उम्र का है, उसी कद काठ का है, आप अपना सीना आगे कर देते, आप अपना हाथ आगे कर देते। आपका बेटा मरा हो आपको खबर मिलती कुछ नहीं होता, दूसरा मरता है तो नहीं खबर होती। आपका भाई, आपका शौहर, आप पूछते हैं कि नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे बताओ वो कैसे हैं, उनका ये जो मोहब्बत है कहां से आती है। देखिए अब करनी आसान है, हम उनको देखा ही नहीं है तो मोहब्बत का दावा क्या, मैं बड़ी 10-15 बिल्डिंग पर बैठ के बना लेते, सीरत हाउस उसका नाम रख लेते। सीरत में 2-4 हजार सफे की किताबें आप लिख लें, 2-4 सफे की हजार की ये लिख लें, मैं नहीं लिख सकता, मैं पैसे देता हूं और अपने नाम से लिखवा लेता हूं, ये कौन सा मसला। अब तो सीरत पे इजहार करना हाँ अवार्ड दे देते हैं कोई, अवार्ड देने के बाद किताब छपवाने के बाद अल्लाह के फजल से मुझ पर बोझ तो कोई नहीं है ना, जाके शाम को मुझे उनको फॉलो तो नहीं करना, उन जैसा जीना तो नहीं है, उन जैसी कोई एक हरकत तो नहीं करनी कि मुझे बाद में ये हो कि मुझसे पूछ लेंगे कि हाँ भाई तुम ईमान लेके आए थे, तुमने मुझे सब बनना चाहा था। आदू सलम सबके लिए अलग अलग थे, बच्चों के लिए अजीबो गरीब उनका, कभी गौर कीजिए तो यकीन नहीं आता। यकीन इसलिए नहीं आता कि हम आप बच्चों वाले खुद हैं और अपने बच्चे के साथ आधा घंटा नहीं गुजार पाते, घंटे बाद तो वैसे बस हो जाती है, उन्हें पढ़ा भी नहीं सकते। अगर कभी अपने दिल से पूछे कि आपके मरने के बाद आपके बच्चे को लोग पकड़ के बिठा ले और कहें बेटा तुम बहुत सादतमंद बेटे हो, तुम्हारे अब्बा जी बहुत अच्छे थे, जिंदगी में 10 बातें गिन के बताओ जो तेरे अब्बा ने बैठकर तुम्हारे साथ तुमको सिखाई हो कि मेरे बाद या मेरी जिंदगी में भी तुम इन 10 उम्दा तरीन बातों पे अमल करना ताकि तुम अल्लाह के रसूल से जुड़े रहो और अल्लाह से जुड़े रहो और इंसान कामयाबी के साथ दुनिया से रुखसत हो। एक सवाल है आज शाम को अपने आप से जरूर कीजिए, आपकी बीवी मुल्जिम है, आप उसको मुजरिम बना देंगे, तुमने कुछ नहीं सिखाया, तुम्हारी जिम्मेदारी थी तुम सिखाती। अच्छा वो अगर से खड़ी होगी तो ठीक है, अच्छा ठीक है तुम्हारा नहीं है, इसके टीचर का बहुत कसूर है। और स्कूलों को मैं इतनी फीस किस लिए देता हूं, वो मेरे बच्चों को सिखाए ना इस्लाम, इन स्कूल वालों ने मेरे बच्चे के दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं डाली, अल्लाह रसूल निकाल दिया, ऐसी तैसी स्कूल वालों की। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना क्या पड़ेगा, इनसे फोन उठाएंगे, दोस्त से बात करेंगे, यार रात का खाना इकट्ठे खाते हैं, बहुत दुखी हूं, किसी अच्छी का खाते हैं,
वो कहते हैं नहीं खाना नहीं खाना, आज चल के लाहौर चल के ड्रामा देखते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। वो जो दिल पे बोझ आया था अल्लाह के फजल से नहीं उतर गया वापस आकर। फिर बीवी से कह दीजिएगा कि तुम्हारी जिम्मेदारी है बच्चों को संभाला करो, उन्हें नेक बातें बताओ। आपने क्या किया, एक बात दो बातें दस बातें, दस तो बहुत बड़ी सारी है। हम सबके बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में जितने पैसे हो उसके लिहाज से हम चेक काटते हैं। एक लाख हो तो एक लाख एक हजार का चेक नहीं कट सकता, कटेगा आप तो केस भी होता है साथ जेल भी होती। ये वाहिद मामला है हम चेक लिख लिख के देते जाते हैं जिसमें वारंट नहीं लिखी होती, नाम भी नहीं लिखा हुआ होता, फिगर भी नहीं लिखे हुए होते और कहते कुछ कर लो कुछ कर लो कुछ कर लो। इसमें कुछ होगा तो कुछ दे सकेंगे। इस सीरत वाले प्रोग्राम से उठने के बाद आप इसे जो मर्जी कहिए, मैं तो आपसे सिर्फ अपने दिल का दुख, इसलिए कि बीइंग द फादर अब मैं खुद मुल्ज़िमों की फहरिस्त में खड़ा हूं। आज से 10-15 साल तक पहले मैं नहीं डरता था, अब मुझे डर लगने, इसलिए कि जब बंदा 40 क्रॉस करता है दीवान पे शुरू होता है तो आपको अगले आने वाले दिन नजर आने लग जाते हैं। हम जो कि बहादुर ज्यादा है, हम इनकार करते हैं नहीं हो सकता नहीं हो सकता, इवन 90-85 साल की उम्र में भी हम इनकार ही कर रहे थे नहीं अभी तो और जीना है। फ्रांस का बादशाह था याजदहम, एडवर्ड याजदहम, उसके बारे में कहा जाता है कि उसे मौत से, उसने कहा ऐसी की तैसी मौत की मैंने नहीं मरना। उसने बड़े बड़े अहले इल्म अहले फहम लोगों को बुलाया कि मैंने लंबी जिंदगी बसर करनी है, मौत का जब फरिश्ता आएगा कैसे रोकूं। तो उन्होंने सब अकलमंद लोग थे उन्होंने कहा तुम माल के गिर गहरी खंदक खोद, खंदक खोद दी गई, पानी छोड़ दिया गया। फिर लोगों ने मशवरा दिया कि इटली के जो कछुए हैं उनकी उम्रें आमतौर पर 200-200 साल लंबी होती है, उनको लेके आओ, उनकी गुर्बत पे रहोगे तो तुम्हारी सेहत पे और तुम्हारी शख्सियत पे और तुम्हारी उम्र पे फर्क पड़ेगा। वो भी ले आके छोड़ दिए गए। फिर उसने चार लेयर्स बनाए फौजियों की, तलवारों वालों की, नेजों वालों की, तीरों वालों की, अगर को आए महल की तरफ तो उसको जिंदा आदमी अंदर आना चाहिए। इसके बावजूद वो बीमार हुआ, एड़ियां रगड़ी और फिर उसने रोते हुए कहा अभी मैंने क्या देखा, इतना कुछ करने के बावजूद मैं मुझे क्यों मारा जा रहा है, हम में से कोई भी मरने पे तैयार नहीं है। कुछ साल पहले मैं अपने ऑफिस में था, माय वर्क में सिंध से एक डेलीगेशन आया हुआ था, तो अचानक मुझे फोन आया, मेरी जो छोटी बहन है वो भी लाहौर में इस वक्त रहती थी, उन्होंने कहा कि आपके जो ब्रदर ला हैं वो सुबह ऑफिस के लिए निकले और हार्ट अटैक हुआ और फौत हो गए। मेरी बहन की तीन बेटियां थी ऑलमोस्ट इसी साइज की। मैंने अपने उसी दोस्त को फोन किया जुबैर को, यार अभी मैं प्रोग्राम में, तुम घर पहुंचो, कर तो कुछ नहीं सकते, कम से कम कोई जरूरत पड़े कोई चीज हो तो तुम घर पे मौजूद रहना। कुछ दो ही घंटे बाद मैं घर पहुंचा, रास्ते में ईदी वालों से बात करके उनसे एम्बुलेंस का किया, घर पहुंचा तो उस वक्त मैयत को नहलाया जा रहा था, खड़ा रहा मैं बाहर और मेरे कान अपनी बहन की आवाज पे कि वो रोएगी चीखेगी, मैं उस दर्द के लिए अंदर से तैयार था ना, इसकी तीन बेटियां हो और एकदम से आप यारो मददगार रह जाए जिंदगी में, ना कोई आगे ना पीछे, बचता ही कख नहीं है। मर्द बहुत बेहस और लापरवाह चीज है, अल्लाह माफ करे औरत के सर का साईं चला जाए, जिस बेबसी से वो दो चार होती है उसका तो घर ही कुछ नहीं बाकी बचता। ससुराल सबसे जालिम, पहले कदम पे उसे घर भी ले लेंगे गाड़ी भी ले लेंगे, उनका मन हो तो बच्चे भी ले लें, कुछ नहीं कर सकते, सोसाइटी खड़ी होकर उसका साथ भी नहीं देती, जायदाद में सब तो बहुत दूर की बात। जनाजा हुआ, मैयत को हमने उसमें रखा एम्बुलेंस में और छोटी बहन और की तीनों बच्चियां बर्फ में लगी हुई मैयत और उसके साथ वो बैठ गया सामने, मैं बैठ गया और हमें लाहौर से चिश्तियां जाना था। जिंदगी का पहला मौका था किसी डेड बॉडी के साथ बैठना, वो मुझे मेरे बहुत महबूब भाई थे, हम तो थोड़े बड़े थे, बहन मेरी छोटी थी, बहुत समझदार थे, बहुत मोहब्बत करने वाले,
यानी इतनी मोहब्बत करने वाले कि उन्होंने सालों बाद बड़ी आरजू से एक मोटरसाइकिल खरीदा, उसे सीखा नया मोटरसाइकिल। जब मैं गया तो घर में नहीं था, मैंने पूछा कहाँ गया, तो उन्होंने नहीं बताया, कहा बस ये जरूर होगा। तो बहन ने बताया कि इनके किसी दोस्त की बहन की शादी थी, पैसे लेने आए, इसने कहा पैसा तो नहीं है, ये ले जाओ जितने का बिके, जो जरूरत है रख लेना, बाकी मुझे दे जाना। मैं नहीं कर सकता, खैर आप में से कुछ लोग हौसलेमंद हो ये कर दे। जब हम उकाड़ा पहुंचे तो मैंने बहन से कहा तुम अगर माइंड ना करो तो, तुम्हारा नरम सा दिल था, इतना कठोर तो नहीं था, तो रोई क्यों नहीं हो, और तुम्हारी बच्चियां भी अजीब है, पत्थर, 3 साल की 4 साल की 5 साल की, वो भी चुप करके बैठी है, ना कोई फरमाइश है, ना कोई बात है, ना रोना धोना बंदा कुछ। उसने मेरे से देखा, कहा भाई कुछ साल पहले हदीस पढ़ी थी कि सबर गम के आगाज पे है, बाद में किया तो वो सबर नहीं है। उसने कहा आपको क्या पता मुझ पर क्या बीत रही है, सारी उम्र अब इसको मैं ना देख सकूंगी, ना इससे बात कर सकूंगी, और पता नहीं मैं इसका जिक्र भी कर सकूंगी ना, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को भुजदिल नहीं बनाना, खड़ा करना, उन्हें मैं रोने वाला नहीं बना सकती। लेकिन यह मैं जानती हूं कि अगर अल्लाह ने मुझे तोहफा देके वापस लिया है तो साथ मुझे उसने आजमाया है, और उसका रसूल ये कहता है कि सबर वो है जो गम के और दुख के आगाज में है, बाकी तो फिर सबर नहीं है, वो तो फिर मजबूरन आ ही जाता है। अगर एक लड़की को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात याद रह सकती है, मुझे 10 क्यों नहीं याद रह सकती। मुझे सीरत सीखने के लिए क्यों ऐसा प्रोग्राम चाहिए जहां हम बैठें और एक मौजू तय करें और तय करके उस पर करें। कल आपको यह करना पड़ेगा, मैं एक अच्छा बाप कैसे बनूं, मैं एक अच्छा बेटा कैसे बनूं, मैं एक अच्छा इंसान कैसे बनूं, कल उससे आगे मैं सांस कैसे लूं। क्या कभी किसी ने मछली से पूछा तैरती कैसे हो, किससे सीखती हो? आसान सा जवाब है, पैदा हुई उसको तैरना आता है। मैं जिस घर में पैदा हुआ, मेरा बाप मुसलमान, मेरा दादा मुसलमान, आपके अपने दादा को मैंने जिंदगी में वह मर्द देखा कि जो सुबह चाश और इशराक पढ़ते थे, अब उनको फौत हुए 40 साल हो गए, लिटरली मैं महरूम हूं कि मेरे दोस्तों में से कभी कोई बंदा नाम तो नहीं जा रही, नमाज भी होती है, चाश भी होती है, इशराक भी होती है, ये भी पढ़नी चाहिए। अल्लाह ने बराह रास्त तो नहीं बताई थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। उनको मानने वाले थोड़े नहीं हुए, इन 40 सालों में बढ़ गए हैं, यानी पाकिस्तान बनने पे जो चंद करोड़ थे अभी तो 18-19 करोड़ है। हमारी दादी चिट्ठी अनपढ़ थी, जब हज करने गई तो वहां जाके उसने जिंदगी में शायद पहली दफा नमाजें पढ़ी होंगी, वापस आई तो नमाज नहीं पढ़ती थी। मेरे अबू ने पूछा कि बीबी नमाज नहीं पढ़ दे, मैं कहा पुत मैं तो अल्लाह ने क्या है, जिन्हें पढ़ाई इतने पढ़ा ला, घर जाके टाइम नहीं मिलता। अच्छा वो जो बात कर सकती थी, उसने कभी कुछ छुपा लफ्ज कभी ना पढ़ा था ना देखा था। आपकी लड़कियां तो सारे लफ्ज पढ़ती हैं, अभी 3-4 साल की होती है, माँ बाप उसे कुरान पाक पढ़ाने बिठा देते हैं, फिर क्लासों में दीनियात है, अच्छी टीचर्स हैं, अच्छी माएं हैं, अबाय पहले से बढ़ गए हैं, स्काफ पहले से बढ़ गए हैं, पर्दा पहले से बढ़ गया है, मस्जिदों में रश पहले से बढ़ गया है, जो जो काम 10 साल पहले नहीं होते थे सीरत के नाम पर सारे होने लग गए हैं। हद ये कि हम जूते अपने जेबों पे, माथों पे, घरों पे हमने वो लटकाने शुरू कर दिए, हर वो काम करना शुरू किया जिसमें जाहिर में हमारा ताल्लुक कोई लगता हो के बनता हो। जेबें खाली हैं, जेबों के पीछे दिल है वो भी खाली। जिंदगी में हमारे सबके साथ कहने की दस्तक जरूर होती है, कुछ सुन लेते हैं कुछ नहीं सुनते। लोग कहते हैं खुशबख्ती दस्तक की तरह आती है, मुझे लगता है जो अच्छे लफ्ज हैं ईमान के खैर के ये भी दस्तक की तरह आते हैं, कभी आप सुन लेते हैं कभी नहीं सुन लेते। चंद माह हुए मेरे पास एक खातून का फोन आया, उसने कहा कि भाई मेरा बेटा एक्शन कॉलेज में पढ़ता है 4th जमात में। अब एक्शन कॉलेज वो है जहां गवर्नर से कम दाखिला नहीं आपको मिलता, एक स्टेटस का लोग आरजू करते हैं, लोग फरमाइशें करते हैं, लोग 20-20, 30-30 लाख रुपए देते हैं एक्शन कॉलेज में दाखिले के लिए कि बेटे के नाम के साथ लग जाए एक्शन कॉलेज।
का मेरा बेटा एक्सन कॉलेज में चौथी में है, उसका जो दूसरा भाई है वो पांचवी में है, वो भी एक्सन कॉलेज में है। मेरा बेटा आपसे मिलना चाहता है। तो मैंने पूछा खैरियत? उसने कहा हमारे घर में बहुत सालों से आपकी सारी किताबें हैं, खास तौर पे जो आदाब जिंदगी के वो हम सब पढ़ते हैं, आपकी जो कहानियों की किताबें वो सब पढ़ते हैं, तो मेरी दोनों बेटियां आपकी कहानियों की हाफिज हैं, मेरा बेटा भी बहुत, क्योंकि हम मियां बीवी दोनों आपका जिक्र करते हैं, तो वही मोहब्बत बच्चों में शिफ्ट हुई। मैंने कहा ये वजह तो नहीं हो सकती मिलने की, कोई और वजह बताइए। कह लेंगे मेरा बच्चा मर रहा है और वो मरने से पहले आपसे मिलना चाहता है। कुछ 6-7 साल पहले मेरे साथ ऐसा ही हादसा ये हुआ कि मुझे सरगोधा से एक टेलीफोन आया किसी खातून का कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में बेड डेथ पे है, ऑपरेशन थिएटर के बाहर है, अंदर नहीं जा रही, वो कहती मेरी बात कराओ। जब मेरी बात हुई उसने कहा भैया मैं डर रही हूं, मैं मर जाऊंगी। वो 9वीं जमात की बच्ची थी, बरीरा उसका नाम था। तो मैंने पूछा बेटा डर किस बात का है? उसने कहा आप हमेशा कहते हो अल्लाह जी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह जी बहुत अच्छे हैं, मुझे डर लग रहा है। तो मैंने कहा बेटा एक मिनट में सोचो, दुनिया में सबसे मेहरबान कौन हो सकता है? दुनिया में सबसे अच्छा मेजबान कौन हो सकता है? दुनिया में सबसे ज्यादा ख्याल करने वाला कौन हो सकता है? वो रब ये कहता है कि सारे बहुत होंगे, मैं उनसे 70 गुना ज्यादा। उसने कहा सर आपको मरना पड़े क्या करेंगे? मैंने कहा यकीन करो एक लम्हे के 100वें सेकंड में मैं कहूंगा सर मैं हाजिर। उस फरिश्ते से यह भी नहीं कहूंगा यार ठहरना ये फाइल नामुकम्मल है, मैं घर फोन कर दूं, बच्चों को बता दूं, बीवी को बता दूं, अपनी वसीयत लिखवा दूं, कुछ नहीं करूंगा। इसलिए कि सारी उम्र एक यकीन पर जिंदगी बसर की है कि दुनिया में अगर सबसे कोई अच्छा है जो मेरा इंतजार करता है, जिसने ये दुनिया मेरे लिए बनाई है, जिसने सारी सहूलतें ये पानी ये हवा ये ताजगी ये खुशबू हर चीज मेरे लिए बनाई, इसलिए कि मैंने मुफ्त में वो खाई है और कोई मुझे बिल नहीं आया और वो मुझे कहता है साथ हर कुछ अरसे बाद अस्तरबाज सीधे हो जाओ, ये कर लो ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, यार ये ना करना ये मुझे अच्छा नहीं लगता, और ये कह के वो चुप करके फिर पीछे हाथ बांध के खड़ा हो जाता है कि करो। तो मैं उससे क्यों नहीं मिलने जाऊंगा? अल्लाह का रसूल कहता है जहां जाओगे उससे शानदार जगह हो नहीं सकती, तुम्हारे कानों में कभी कोई नारवा बात नहीं होगी। अल्लाह का रसूल कहता है वो जगह है जहां तुम्हारा जिस्म कभी थकेगा नहीं, जहां तुम्हें मौत नहीं आएगी, जहां तुम्हारी जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी, और जहां जो जो जिंदगी में तुम्हारे आरजुएं हैं, जो ख्वाब हैं, जो ख्याल हैं, जिस नेमत का तुम सोच सकते हो वो वहां पे दस्तियाब होगी। मैं उस जगह पे क्यों नहीं जाऊंगा और मुझे दिल में क्यों डर हो, क्यों खौफ हो कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी? रब कहता मैं तो तेरे ख्यालों जैसा हूं, जैसा तुम सोचते हो मैं वैसा हूं। 2 दिन के बाद उस बच्ची की मां का फोन आया, उसने कहा सर वो बरीरा चली गई, और जब ऑपरेशन थिएटर पे थी उसने कहा कि सर से कहिएगा मैं अब मुतमईन हूं, मुझे जिंदगी मिले या ना मिले। मैंने उस बच्चे को रेजिस्ट किया, 3 दिन लगे मुझे, उस औरत का फिर फोन आया सर आइए। 3रे दिन शाम को लाहौर में जगह है मंसूरा, मंसूरा के सामने मार्केट है, वहां से मैंने, अब मैंने बच्चों को देखा भी नहीं था, कभी मिला भी नहीं था, अब मेरे दिन में था कि इस उम्र का बच्चा है 3वीं 4थी का, क्या पसंद करेगा, बिस्किट लिए, चिप्स लिए, फिर मेरे मन में था कि अब मेरे बारे में इतनी वो मोहब्बत करता है तो उनसे कहा जो बड़ा लिफाफा है उसको भर दो, तो जितनी चीजें वहां थी वो मैंने भर ली। थोड़ा मुझे फील हुआ कि अब मैं गिफ्ट दूंगा तो कम अज कम शर्मिंदगी नहीं होगी, पहली दफा जा रहा हूं तो जरा बंदा अच्छा लगता है कटसी। मैंने अपने अबू को कभी किसी घर खाली हाथ जाते नहीं देखा था, अबू ने मुझे कभी कहा नहीं था, पर मैं इसका गवाह हूं कि अल्लाह उन्हें जन्नत में आला दर्जे दे, वो किसी घर खाली हाथ नहीं जाते थे, सो अपने बाप से सीखा था। उस बच्चे से मैंने कुछ लेना देना नहीं था, मेरा ना उसे कोई रिश्तेदारी ना बाद में मिलना जुलना, उस तोहफे की वापसी का भी कोई इम्कान नहीं था। सो जो रब जब कहता है ना कि इंसानों से मोहब्बत करो, तो जब मौका आता तो आपको अंदाजा होता आपका दिल करता है कि नहीं करता। मंसूरा के अंदर उनका घर था,
मस्जिद क्रॉस करके पीछे बहुत खूबसूरत सा घर, तो मुझे वो फर्स्ट फ्लोर पे ले गए और अपने बेडरूम में ले गए। देखिए बेडरूम जिंदगी की सबसे प्राइवेट जगह होती है, जहां आप किसी अजीज को भी जाने नहीं देते, उनको भी ड्राइंग रूम तक रखते हो। बेडरूम में बहुत ही खूबसूरत बेड था, साथ एक छोटा बेड लगा हुआ था और उस पर वो बच्चा लेटा हुआ था और उसके सामने दीवार पर उन्होंने टीवी आरसी तौर पर टांगा हुआ था। जिंदगी में हम सब लोग कभी ना कभी डरते जरूर हैं, जितने मर्जी बहादुर हो। उस बच्चे को देख के लिटरली मेरा जिस्म एक दफा कांपा। मैं इसको एक ही दफा देख के मैं सोफे पे बैठ गया, मेरा जिस्म लिटरली इट वाज शिवरिंग। बहुत ही खूबसूरत बच्चा था, उसका सर कम से कम 1.5 फुट का था। अब उसकी माँ ने और बाप ने दोनों ने बैठ के मुझे बताना शुरू किया उसके बारे में कि इसको स्कूल में दर्द हुआ सर में, फिर हम हॉस्पिटल ले गए, शौकत खानम ले गए। शौकत खानम वाले चूंकि केस पकड़ते नहीं है, जिसका उन्हें ठीक होने वाला हो तो पकड़ लेते, वरना वो पकड़ते नहीं, ये उनका एक असूल है। फिर वो अनमोल गए, फलां जगह गए, बिला के डॉक्टर ने कहा कि इसको सर में जो ये ऊपर की सख्त जिल्द है इसका कैंसर है। सो उन्होंने जो आधा सर था जैसे नारियल का आधा हिस्सा वो काट दिया उन्होंने उसके साथ आनी के साथ। और डॉक्टर ने कहा कि बचना हुआ तो बच जाएगा, पर इस मिजरी के साथ सर बाकी नहीं रहेगा। 1.5 माह बच्चा जिंदा रहा, ठीक रहा। फिर वो जो कैंसर था वो चूंकि अब सर तो ऊपर था नहीं, उसने बाहर फैलना शुरू किया, तो वो फैलता फैलता कोई 1 फुट बाहर आ गया। अब उसमें बच्चा उधर उठने जोगा तो नहीं था, वो लेटा रहता था। लेकिन इसी पे बस नहीं हुई, जब ये जो सर बाहर निकला तो इसका बोझ है, वजन है, वो वजन उसकी आंख में पड़ा, तो जो आई बॉल है ये आंख से बाहर निकला है। तो अस्तगफिरुल्लाह, को 1.5 इंच वो आई बॉल बाहर था। ये जो मेरा आई बॉल आपका आई बॉल है, इसको दिन में हजारों दफा अल्लाह पानी देता है। हम आंख झपकते हैं तो ये गीला होता है, गीला होता तो जिंदा रहता है। हम देखते रहते हैं, कभी गिन भी नहीं पाते, अल्लाह माफ करे। कभी आप सोचे आपकी ये आंख ना झपके तो क्या करेंगे। मेरे ब्रदर ने ला है, इंजीनियर है, उनका ऑपरेशन हुआ तो जो वेन थी वो डॉक्टर से कट गई, तो ये जो ये वाली थी जब बंद नहीं होती थी, खुली रहती थी। तो लाहौर के एक सर्जन है डॉक्टर इमरान सहाफ, उन्होंने सोने का, पहली दफा मैंने सुना कि अल्लाह ने हुनर कैसे दिया हुआ, उन्होंने सोने का एक टुकड़ा इसको काट के इसके अंदर डाला, तो उसके सोने के वजन से वो फिर नीचे आके आंख बंद हो जाती, वरना कई माह उसकी आंख बंद ही नहीं होती थी और उसकी मां देखते कर रोती थी। अब मैं बैठा रहा, वो मुझे उसकी बातें बताते रहे, तो मैंने 10-15 मिनट के बाद मुड़ के देखा तो उसकी एक बहन उसकी पांती में खड़ी थी, एक दरवाजे में खड़ी रो रही थी, एक 9वीं में थी, एक 10वीं में थी। मैंने उससे पूछा, माता से मैं बच्चे से बात करूं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, ही इज वेटिंग। मैं उठ के उसके करीब गया, ये जो आंख उसकी बाहर निकली हुई थी उसकी यहाँ पे गालों पे कैंसर के जो पूरी जड़ें थी वो देवर विजिबल नजर आ रही थी। तो मैंने डरते डरते उसकी इस गाल पे हाथ रखा और पूछा, हैसम उसका नाम था, शेर मतलब होता है, बेटा कैसे हो? सर आप आए तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने पूछा दिन में क्या करते हो? उसने कमर में बहुत दर्द होता है, लेट लेट के वहां जख्म हो गए, अब्बा ने नीचे मुझे वो फोम वाला लगा के दिया, इसमें हवा भी चलती है पर फिर भी बहुत दर्द होती है और मेरा बाजू भी नहीं हिलता, और मैंने टीवी देखना होता है तो एक आंख से बस थोड़ी देर ही देखता हूँ, फिर आंखें बंद कर लेता। मैंने कहा ऐसा, जब कल अल्लाह से मिलोगे तो क्या कहोगे? तो सर कहा सर उनसे कहूंगा सर प्लीज मुझे ठीक कर दे, मैंने जन्नत में भागना है, मेरा बाजू नहीं हिलता, मैंने बाजू हिलाना है, मेरी आंख बहुत मुझे बुरी लगती है, मैं आईना नहीं देख सकता, मुझे प्लीज आंख पीछे कर दे, और ये सर तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है, इसको वापस कर दे। तो मैंने सोचा क्या अल्लाह तुम्हारी बात मान लेंगे? वो छोटा सा बच्चा, मैंने कहा सर एक वही तो है जो मेरी बात मानेगा,
जब मैं वहां से निकला तो मैंने उसे एक लफ्ज कहा, और उसके बाद अरे मैं वहां खड़ा भी नहीं हो सकता, मैंने कहा जब अपने रब से मिलो तो उसे मेरा भी सलाम कहना। उसने कहा सर जरूर कहूंगा, इसलिए कि आप जो कहते हो अल्लाह जी, तो वही है दिल में एक ठंडक, एक आस, एक उम्मीद बंधाती, वरना तो बंदा आप किसी भी एज में हो, बच्चा आप तो पहली जमात को उसको भी चीजें सारी समझ आ रही होती, वो भी रिश्तों की पहचान जानता है, वो भी चीजों को जानता है, वो भी ये जानता है किससे मोहब्बत करनी किससे नहीं करनी। उस घर से वापस आके मैं कई दिन तक आई वाज सो अपसेट, और मैं सोचता रहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मेरे रब से ना मिलवाया होता, मुझसे और हमसे ना बदकिस्मत कौन इंसान होता, हम तो रब को नहीं जानते थे, ना मिले ना कभी देखा, वो तो उनकी मेहरबानी है जो उन्होंने आके हमें बताया कि वो जैसा उसके बारे में सोचते हो वो वैसा है, वो 70 माओ जैसा, उनसे भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला। यानी एक जंग के मौके पे जब कैदी औरतें बहुत सारी लाई गई और बाकी कैदी, तो एक औरत भागकर वहां से बच्चों की तरफ गई, छोटे बच्चों को उसने उठाया, सीने से लगाया, उनको दूध पिलाया, और शी वाज वीपिंग। तो अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा की तरफ देख के कहा ये औरत कभी अपने बच्चे को आग में फेंक सकती है? ये सही मुस्लिम की हदीस है। एक साहबी ने कहा या रसूल सल्लम खुदा की कसम नहीं फेंक सकते। अल्लाह के रसूल कभी कभी बात पे जोर देने के लिए कसम खाते थे, और सहाबा चुका आगे से बोलते ही नहीं थे, जब पूछते थे हाँ भी तुम जानते हो इस बात को, तो आगे से कहते थे अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, हालांकि उनको आता होता था, ऐसा कोई मसला फीसा वर्ष नहीं होता था, लेकिन ये भी अदब आदाब सीखा उन्होंने अल्लाह के रसूल से, आगे से नहीं बोलते थे, तो फिर आप बताते थे कि हाँ ये और ये मामला ऐसा और ऐसा। जब साहबी ने यह कहा कि खुदा की कसम ये औरत अपने बच्चे को नहीं फेंक सकती आग में, तो अल्लाह के रसूल ने कहा याद रखो रब भी अपने बंदों को दोजख में और आग में नहीं फेंकेगा। अच्छा, उसके कुछ दिन के बाद एक साहबी ने आगे कहा या रसूल सल्लम क्यामत कैसी हो? आपने कोई जवाब नहीं दिया, ना उसको निशानियां बताई, ना उसको डराया, ना धमकाया, ना उसकी हौल ना की और हैबत ना की, ना कोई आयत सुनाई। कहा तुमने तैयारी किया कि अब कुछ लोग साथ बैठे हुए थे, अजीब सा सवाल था ये, और बिल्कुल जाती सवाल था कि आप किसी से जब बहुत मोहब्बत करते हैं तो उससे पूछते हैं को तुम उससे जो डर रहे हो यार तूने तैयारी क्या की है? तो उसने सर झुकाया कहा या रसूल सल्लम एक ही तैयारी की है, अल्लाह से और आपसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूं और मेरे पास कुछ नहीं है। तो आप मुस्कुराए, कहा याद रख जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। बुनियादी तौर पे हम तो अपनी मोहब्बत के दर्जों का तय नहीं कर पाते। आज के बाद जब आपको मौका मिले हदीस पढ़ने का, अल्लाह के रसूल को जांचने का, जानने का, उनके करीब होने का, तो आंखों से मत पढ़िएगा, दिल से पढ़िएगा। दिल आपको बताएगा आप कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं। आपके जुबान ये कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मां बाप आप औलाद जान आप पे कुर्बान, दिल कहता है नहीं कुछ भी कुर्बान नहीं, क्योंकि दिल वो आपका है मेरा है, हम अपने दिल के ऊपर पर्दा डाल लेते हैं साइड पे हो जाते हैं। रात को सोने से पहले जब बहुत सख्त नींद आती है और मेरा दिल चाहता होता कि मैं नमाज छोड़ दूं, और मैं जानता हूं तो अल्लाह के नीचे मुझे कोड़ा नहीं मारेगा, यकीन माने कि अंदर शर्मिंदगी होती है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी कुछ नहीं कहेंगे वो, पर अगर उन्होंने एक दफा नजर ऐसे करके देखी जिसमें नाराजगी हुई वो नहीं संभाली जाती। हम रब से और तरह से डरते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा जो ताल्लुक है ये नेक बख्ती का एक ताल्लुक है, कुछ भी हमारे पास नहीं है पर फिर भी हम उससे जुड़े हुए होते हैं। आते हुए मेरे मन में था कि मैं आपसे कहूं कि आज हम क्यों ना इस बात पर सोचे और गौर करें, क्या में से जितने लोग जिनकी इंडस्ट्री से ताल्लुक है हम अपने लोगों को एक मैनुअल बना के देते हैं,
इवन उनके आने का वक्त भी तय होता है, जाने का वक्त भी तय होता है। अगर वो दो चार दफा लेट आए तो सलाह के तौर पर भी तय होता है कि उनकी कितने घंटे कट जाएंगे, कितनी छुट्टी ले सकते हैं, कितनी कैजुअल लीव ले सकते हैं, कितने सिक लीव ले सकते हैं। अगर हमारा मैनेजर कहता है कि सर इसको तमीज नहीं है, तो हमारे पास उसको तमीज सिखाने का भी हम तरीके हैं। हम उनको ट्रेनिंग पे भेज देते हैं, लोगों को मुस्कुराना सिखाते हैं, लोगों को सख्त काम करना सिखाते हैं, लोगों को जो मशीनें चलाना नहीं आती वो सिखाते हैं, लोगों को कंप्यूटर सिखाते। कौन सी चीजें जो हम नहीं सिखा पाते? तीन चार साल पहले लाहौर में एक साहब ने मुझे बुलाया कि जी हमारा बहुत बड़ा उनका है चमड़े का कारोबार, तो हमारा एग्रीमेंट हुआ है फ्रांस की कंपनी के साथ, आइंदा हमारा चमड़ा और हमारा ब्रांड उनके यहाँ डिस्प्ले पे भी होगा, यूज भी होगा, और पाकिस्तान में जो उस चमड़े की बनी चीजें वो बाटा वाले अपने यहाँ डिस्प्ले करेंगे, एक महंगा ब्रांड। मैं उस मौके पर पहुंचा, कुछ देर वहां गुजरी, वापसी मैंने ड्राइवर से पूछा तुम्हारे साहब कैसे आदमी है? उसने कहा हीरा है। बहुत सालों से मेरी राय है कि ड्राइवर आपके बारे में बहुत अच्छी राय दे सकता है। कौन लोग हैं जो खाना खाने की दावत पर जाते हैं खुद खाते हैं वो बाहर भूखे रहते हैं, कौन लोग हैं जो पहले उन्हें खाना भिजवाते हैं, कौन है जाते उन्हें पैसे दे जाते हैं, कौन लोग हैं जो कह के जाते हैं एसी बंद कर देना जब मैं आऊं फिर चलाना, कौन लोग हैं जो कहते हैं गाड़ी से बाहर होकर खड़े होना और जब वापस आऊं फिर अंदर होना। बेशुमार चीजें हैं, जाहिर वो भी इंसान है आप जैसा, सिर्फ फर्क ये है कि आप पीछे बैठे हो आगे बैठा। आपका दिल मोहम्मद के साथ धड़कता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो वो और तरह का आदमी है, आपका दिल अपने साथ धड़कता है अपने पैसों के साथ और तरह का आदमी है। फर्क तो इस धर्म का है, ये फर्क डालता है, दुनिया की कोई चीज फर्क डाल ही नहीं सकती। उसने कहा सर फैक्ट्री में गए जाके कहा कि जिसने सबसे पहले पढ़ा पूरी फैक्ट्री के सामने उसको उन्होंने पगड़ पहनाया, एक वो जैसे क्या कहते हैं हम दस्तार, दस्तार पहनाई। फिर उन्होंने ऐलान किया कि जो साल में हर साल एक को मैं उम्र में भेजा करूंगा। फिर बहुत सारे जो लोग उम्र पे चले गए। आपको क्या लगता है हम आप किसी के यहाँ रिस्क खाएं दावत पे जाएं और खाना आपको अच्छा लगा हो तो वापसी भी आप चाहे ना चाहे आपका दिल जरूर कहता है यार बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह इनके रिस्क में बरकत दे। मेरे दादाजी कहते होते थे दिल बड़ा हो तो रुक कर कह के आया करो अल्लाह इनके दस्तरखान में और इनके रिस्क दोनों में बरकत और इनके दिल में भी बरकत दे। अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा था अल्लाह को क्या पसंद है, तो मैं तो सुन के हैरान ही हो गया जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह को खाना खिलाना पसंद, और उसमें कोई शर्त ही नहीं थी ना गरीबों की ना मस्कीनों की ना यतीमों की। आप दोस्तों को खिलाइए, आप अजीजों को खिलाइए, आप जिस जिस को चाहते। ये जो रुबूबियत है ये रब की शान है बाबा, रब खिलाता है, काफिरों को खिलाता है, मुशरिकों को खिलाता है, सबको खिलाता है और तड़ी दिए बगैर खिलाता है, बिल भेजे बगैर खिलाता है। सो जो जो रब से जुड़ता है वो और तरह से जुड़ता है, जो जो मोहम्मद से जुड़ता है ये तो बिल्कुल टिक मार करने वाली चीज है। नंबर वन हो गया, नंबर टू हो गया, मैनुअल में लिखा हुआ नंबर थ्री ये भी हो गया। कुछ माह पहले मैं सुबह सोया हुआ था तो मेरी वाइफ ने उठाया और कहा कि मुश्किल काम है पर मैं आपसे कहना किससे कहूं, आज वो वैन वाला नहीं आया। मेरी दो बेटियां हैं और दोनों स्कूल गोइंग हैं तो अब इनको छोड़ आई। शादी के बाद अपनी बीवी से मैंने दो बातें कही थी, मैंने कहा था एक तो जब मेरे घर में मेहमान आए तो उन्हें कभी कुछ ना खिलाना, कहना ना पड़े कि उन्हें कुछ खिलाओ, जो आके बैठे जिसका वक्त तो बस कर लिया करना। अब इस बात को दूसरी दिहाई हमारी शादी गुजर रही, मुझे जिंदगी में कभी अपनी बीवी से नहीं कहना पड़ा कि मेहमान आए चाय भिजवा दो। मैं दिल से यानी उसकी जन्नत में आला दर्जों के मैं तस्दीक दिल मेरा करता है कि अल्लाह उसको बहुत उमदा जगह देगा, इतनी वो खुश होकर खिलाती है रात के 12 बजे को आ जाए। अब जरा जैसी जिंदगी हमारी होती है आपके मेहमान शहर से बाहर से इधर से आ जाते हैं और आपको दिल बड़ा करके उनको एंटरटेन करना चाहिए। दूसरा मैंने कहा था जब बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जाऊंगा और मैं नहीं कभी गया। जब कभी कभी रिक्शे वाला वैन वाला ना आए तो जाहिर है उसने किससे कह रहा। मैंने गाड़ी निकाली उनको बच्चों को बिठाया तो अब बाप होने की थोड़ा तेज जाके मार्केट पर रोका से कहा क्या खाओगे, उसने कहा जूस
बच्ची ने कहा कि मैंने बाबा वो नई खाई है, अजीब वो गरीब सी चॉकलेट जो फूली फूली सी है, बबली बबली जी, वो मैंने भी खा के देखी, एक मिनट में ख़त्म हो जाती, नामाकूल पैसे उसके अच्छे खासे थे, मैंने पूछा, उसने कहा मैंने वो बबली खाई, ओके मैंने पैसे निकाल के दिए, वो गई, दोनों गई जाके अपनी मर्जी की चीज़ें वो अपना लिफाफा भर के लाई, जब वापस आके बैठ गए तो मैंने कहा बेटा बात तो बताओ, दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हो? अब यकीन माने अंदर एक कमीना सा एहसास था कि मेरा नाम ले लिया। उसने कहा नानू, फिर नाना, फिर ममा, फिर आप। अब मैं पैर रखूं उस पे, ब्रेक पे और वो रेस पे जाए, गुस्सा मुझे है ना इंतहा का आया हुआ कि मतलब इन्वेस्टमेंट मेरी है और मैं मोहब्बत के दर्जों में चौथे दर्जे पे हूँ, हद हो गई है। अब अंदर से कलपता हुआ मैं वापस आया, वापस आके अच्छा बाप हूँ थोड़ा समझदार, सोचा कि फौरन अगर समझाने बैठ रहा तो अकलमंदी की बात नहीं, तो एक दो दिन दे देते। मैं रात घर जब आता हूँ तो उस वक्त 9 बजे होते हैं और एक ड्रामा चलता है वो हुरम सुल्तान वाला, तो वो हम इज्तमाही तौर पे इकट्ठे देखते हैं और उसमें कभी कभी जब वो कहते हैं तुम्हारी तलवार तेज धार हो और तुम्हें अल्लाह आफियत से रखे, तो मैं कभी हैरान होता हूँ, हमारे यहाँ तो कोई दुआ देने का रिवाज ही नहीं है, नहीं बच्चा जा रहा हो बाप जा रहा हो तो हम वैसे ही कर देते हैं, कभी मुंह से बोल के दिल से बोल के कि अल्लाह आपको आफियत में रखे, मतलब तो वो माँ का पूछेगा तो वो साथ ये कहेगा कि इंशाल्लाह उम्मीद है वो खैरियत से होंगे। तो उस ड्रामे से शुरू होने से पहले मैं 15 मिनट घर पहुंचा तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा इतनी बड़ी जिंदगी है, कभी सोचा किसने दी? तो जो छोटी बच्ची है वो पहली जमात में है, उसके लिए मुस्कुराया कहा बाबा आपको पता तो है, फिर क्यों पूछ रहे? मैं उस उम्र में होता तो कभी ये जवाब ना दे सकता। मैं कहा बेटा जिंदगी में मुझे लगता है कि मोहब्बत की तरतीब ठीक होनी चाहिए। उसने कहा वो कैसे? मैंने कहा देखो हम किताबें रखते हैं, नीचे बड़ी रखते हैं, फिर छोटी, फिर छोटी तो इतना बड़ा हो जाता है, अगर बड़ी चीज ऊपर रखें छोटी नीचे रखें तो वो नीचे से फिसल जाएगी। अच्छा उसने हाँ ऐसा बताया। मैंने कहा मेरे तुम्हें पता है अबू अम्मी फौत हो गए, तो मैं उनको मिस करता हूँ, याद करता हूँ। अगर मैं जिंदगी में सिर्फ माँ और बाप से मोहब्बत करता रहता तो मुझे मर जाना चाहिए था। भाई जिंदगी का ऑब्जेक्टिव ही ये था कि माँ और बाप से मोहब्बत, जब ऑब्जेक्टिव नहीं है सामने तो फिर जीना किस बात का, मर जाना चाहिए? या तो मैं झूठा हूं या मोहब्बत झूठी है या तरतीब झूठी है, जिसको मैं नहीं जानता उसको जानना चाहिए। अगर मैं रिश्तों के बाद उनके मरने के बाद फिर भी जीता रहता हूं, इसका मतलब है जीने का ऑब्जेक्टिव वो नहीं है जो मैं कहता हूं, कुछ और। फिर मैंने कहा मुझे लगता है कि हमें जिंदगी में जो मोहब्बत में सबसे ऊंचा या बुनियाद उसको रखना चाहिए जो मोहब्बत देता है या जो दुनिया देता है, जो जिंदगी देता है। अल्लाह मियां, हाँ ऑफ कोर्स, उसी ने मोहब्बत को भेजा, उसी ने कहा मां बाप से मोहब्बत करो, उसी ने कहा बच्चों से मोहब्बत करो, वरना मैं तुम्हें यूं क्यों लिए लिए फिरता? अगर मेरे जुम्मे ना होता कि अपने बच्चों से प्यार करो, मुझे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो ना कहते तो मैं तुम्हारा क्यों, ये जो है जानवर करता ख्याल, अपने बच्चों को ही खा जाते, निकाल भी देते, अपने पाँव के तले मसल देते, अपने सामने खा जाते। अभी कल खबर आई एक शेर जो जू वाला था, उसने 2 बच्चे थे, एक की टांग खा ली, एक को उसने पूरा खा लिया, उसकी टांग वहां अकेली पड़ी हुई थी उसके। फिर इंसान भी यही करता है, करते क्या, करते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने जमाने में, उन लोगों कितने लोग थे जो अपनी बेटियों को खुद मार के आते थे, कितने थे जो अल्लाह के रसूल से कहते थे या रसूलल्लाह आप मेरे तो 10 बच्चे हैं, आप बच्चों को कैसे प्यार कर लेते हैं? और आप कहते थे तुम अल्लाह से दिल मांगो, तुम्हारे पास दिल नहीं है। देन जी हम तीनों ने बैठ के तय किया कि मोहब्बत की तरतीब होगी और आयदा से हम किसके मुताबिक चलेंगे कि सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से जो रहने वाला, उसके बाद मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर आप नाना से कर लें, दादा दादा दादी का नंबर बेचारों का बाद में आता है, यानी ये माएँ ऐसी होती हैं या क्या मसला है, ये दादे सारे सख्त होते हैं
इनका नंबर मुरब्बत में बाद में आता है, नानी का नंबर पहले आता है। नानी हमेशा बड़ी शानदार होती है, नानों में बहुत अच्छी मोहब्बत, यानी ये शायद बच्चों को डांटते नहीं है, सिखाते समझाते हैं। दादे जो है वो थोड़े रोब ज़्यादा डालते हैं, जैसे जब हमारे अपने बच्चों के बच्चे होंगे हम थोड़ा रोब ज़्यादा डालेंगे, और हालांकि सियाने कहते हैं ये सूद होता है, इनसे बहुत मोहब्बत हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद उसकी टीचर ने उसको खड़ा किया इत्तेफाक से, तो पूछा, अब उसने फर बताना शुरू किया, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए, फिर मोहब्बत से करनी चाहिए, फिर दादू से करनी चाहिए, फिर नू से करनी चाहिए, अच्छा जो जो उसके तीन चार नाम आते थे उसने वो नाम गिन के फिर कहा नानू से करनी चाहिए, फिर नानी से, फिर अब्बा से, अब्बा फिर बेचारा आखिर में था। कोई मसला नहीं, मुझे इसमें भी अब दुख नहीं है, अब उसकी तरतीब ठीक है, तरतीब ठीक होगी तो मेरे बाद भी, लाइक हम में से शायद ही कभी किसी ने अपने बच्चे से कहा हो कि जब मैं ना होऊंगा तो तुमसे मैं क्या चाहूंगा। अब मैं सोचता हूं मैं अपने बच्चों से बात करनी चाहूंगा। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे तो जो वो चाहते थे अल्लाह ने वो अपने लाजिम कर दिया। हम उनके लिए दुआ करते हैं हर अजान के बाद, वैसे भी या अल्लाह उनको वो मुकाम देना, उससे भी ज्यादा देना। अल्लाह का हमसे कोई पूछने की हाजत तो थी नहीं, पर हमको सिखाया कि जाने वालों को कैसे याद करना चाहिए। हम हर दफा उनके लिए दूध पढ़ते, हर दुआ से पहले पढ़ते हैं। अब तो सियाने कहते हैं कि दुआ जाती नहीं है, नीचे लटक जाती है अगर आगे पीछे उसके दुरूद शरीफ ना हो। बानो कुसिया अल्लाह उनको सेहत दे, वो कभी कभी कहती थी कि जब इंसान मोहब्बत करता है तो दुआ करता है तो दुआ तीर की तरह ऊपर जाती है। तो हमने हंसते हुए कहा कि बाज दफा एक ही बंदे से कई लोग मोहब्बत करने लग जाते हैं तो वो तीर कहाँ जाते हैं। उसने कहा कि जो तीर ज्यादा यकसुई से, ज्यादा मोहब्बत से, ज्यादा लगन से, ज्यादा डिवोशन के साथ जाता है वो उनको क्रॉस करते हुए आगे निकल जाता है गोली की तरह, बाकी नीचे बेचारे लटके रह जाते हैं। और जिस तीर के आगे दुरूद पाक हो या पीछे दुरूद पाक हो उसकी स्पीड थोड़ी और तेज हो जाती है। अच्छा हम उनकी तरफ देख रहे थे कि बीबी क्या कह रही है, लेकिन बात तो सच है, होता तो ऐसे ही है। यानी एक ही वक्त में हम चारों पांचों एक चीज मांग रहे होते हैं, जो ज्यादा डेडिकेशन से मांगता है उसको मिल जाती है, बाकी गरीब हाथ बकते रह जाते हैं। रब के कुछ तो है लेन देन का निजाम। अच्छा उस लेन देन के निजाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बुनियाद में कहीं हैं। मेरी बीवी की अजीब सी बात कहती है, वो कहती है कि जब मैं खाना दुरूद पाक पढ़ के उस पर फूंकती हूं तो उसकी लज्जत की आप सब तारीफ करते हैं। सो उसने अपनी आदत बना ली है, कभी चंद सेकंड लगते हैं पर मैं उसको कभी बनाती नहीं जब तक उसमें पढ़ना नहीं। अच्छा शी इज़ यंग, वो कोई बुढ़ी औरत नहीं है, फाइन आर्ट्स में मास्टर्स है, पाकिस्तान की वो मशहूर और मरूफ न्यूट्रिशनिस्ट है, जिसके पास जा रहा है हर तरह के लोग आते हैं, जिनकी वो सेहत का वो ख्याल करती है, उनकी नई जिंदगी शुरू कराती है, एक लोगों की जिंदगी में खैर भरती है। तो पढ़ी लिखी लड़की जब इस तरह की बात करे, फिर वो कहती थी कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिसने ज़कात दी उसका रिस्क हलाल हुआ, अब उसमें नुकसान नहीं हो सकता। मैं अंदर से अभी सोचता हूँ कि अगर हो जाए नुकसान तो कोई क्या कर सकता है। वो कहती नहीं हो सकता। हम मोटरवे पे एक दफा जा रहे थे, भीरा रुके, वो वजू करने अंदर गई, उसने अपनी ये अंगूठियां उतार के तो ऊपर रख दी वजू करके, हम इस्लामाबाद से ले गए। अब उसने मुझे नहीं बताया कि गुम हो गई है, यही सोच होती है कहीं कोई उठा ली होगी, किसी ने कुछ कर लिया, जेन में नहीं आया। कुछ हफ्तों के बाद मैं उन दोनों सलामत एक प्रोजेक्ट कर रहा था, फिर वो मेरे साथ गए, इत्तेफाक से फिर वहीं रुके और वो वहां पहुंची और उसने हाथ उठाया तो वो वहां पड़ी हुई थी दोनों। वापस आकर उसने कहा कि सर मैं कहती थी ज़कात दी हुई हो तो सोना क्या कोई चीज चुरा ही नहीं सकता। अब अगर आपकी चेकलिस्ट में है ये बात फेथ तो आपकी जिंदगी वैसी है, अगर चेकलिस्ट में नहीं है तो आपकी जिंदगी वैसी नहीं है। आज जाने से पहले अपनी चेक लिस्टों में कुछ चीजें डाल लें, डालें अपनी मर्जी से, ये मैं कुछ नहीं कह रहा उसमें क्या डालें, डालें अपनी मर्जी से। लाइक आपको अपनी बेटी से क्या बात जाके शाम को करनी है जरूर सोच लीजिए, अपने बेटे से क्या बात कहनी है जरूर सोच लीजिए। मेरे वालिद साहब ने मुझसे एक फरमाइश की आखिरी जो उनसे मेरी मुलाकात से पहले हुई, हम दो भाई हैं तो नमाज हमने असर की घर पड़ी तो उन्होंने सलाम करने के बाद कहा बेटा जब मैं ना होऊंगा तो दो सजदों के बीच में जो दुआ है उसे मुझे जरूर याद कर लिया करना। अच्छा मेरे बाप ने कभी मुझसे ऐसी फरमाइश की नहीं थी, ऐसी क्या कभी कोई फरमाइश भी नहीं की थी, ना कभी कपड़े की ना जूते की। ही वाज डायरेक्टर एजुकेशन,
हमें सारा उन्होंने खिलाया पिलाया। जब थोड़े हम खुद बड़े हुए तो फिर सोचते थे अब इनको तोहफा क्या दें, देंगे तो उनके लिए क्या इसकी हैसियत है। और वो मुझसे फरमाइश क्या कर रहे हैं कि दो सजदों के बीच में जो वक्त है उसमें कुछ किए। अबू को दफनाने के बाद अगले दिन तो पहला काम मैंने किया, मैंने वहां कब्रिस्तान के करीब गया तो एक मैंने मौली साहब को ढूंढा और उनसे कहा कि मैं आपको इतना पे करूंगा अब रोज उनके लिए एक सपारा पढ़ दिया करें। अच्छा दिल में मैं जानता था मुझसे नहीं पढ़ा जाना, सो मैंने उसका ख्याल ढूंढा। उनको दो एक माह मैंने मनी ऑर्डर किया, फिर फोन किया कि ठीक चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं वो मैं तो जी मेरे बच्चे की टांग टूट गई दो जगह से लाहौर आ गए वो रुक गया। अब मैं बहुत दुखी तो मैंने अपनी वाइफ से शेयर किया कि यार आई एम वेरी मच वरीड क्या करूं। उसने कहा ठीक है मैं हल निकाल दूं। अब पिछले एक डेढ़ साल से सुबह अगर हम सो रहे होते तो कारी साहब आते हैं आके डेढ़ सपारा पढ़ते हैं और आंख खुलती है तो आवाज आ रही होती है। तब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं शायद थोड़ा अच्छा बेटा हूँ, अपने बाप को याद करता हूँ और उनके लिए रोज भेजता हूँ दुआ। दो हफ्ते पहले मैं इस्लामाबाद गया तो मेरी वो खुशी भी गारत हो गई। वहां एक साहब जो हुकूमत पाकिस्तान के सेक्रेटरी हैं खजाना के, वकार उनका नाम है, उनके बारे में पता चला कि उनके वालिद उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, अपने वालिद से मोहब्बत करते थे, वालिद उनके कुरान पाक बहुत शौक से पढ़ते थे, बच्चों को भी शौक हो गया। जब वालिद फौत हुए तो वो बच्चा रोज बच्चा क्या बड़े वो रोज एक सपारा पढ़ने लगे। फिर उन्हें आया एहसास कि यार एक सपारा थोड़ा है, उन्होंने तीन कर दिए फिर दस कर दिए और दस करते करते किसी चीज की और कोई उम्मती अपने रसूल से कितनी मोहब्बत कर सकता है इसकी कोई लिमिट हो भी नहीं सकती। पर वो हम तय नहीं कर सकते, तय हमारे दिल ही कर सकते हैं, या हम कितना वक्त उनको देते हैं, कितना उनके साथ वक्त बसर करते हैं, कितना और उसमें से कितना वक्त हम अपने बच्चों को देके उनसे उनको जोड़ते हैं, उनकी मोहब्बत की तरतीब ठीक करते हैं। सीरत नबी पे इतनी किताबें इतनी बातें हमने बहुत पहले पढ़ी हुई हैं सुनी हुई हैं, आप तरतीब से पढ़ना शुरू करें आपको बहुत मिलती जाएंगी। सो आज अगर आप ये सोच के आए थे कि मैं किसी किताब से को बात करूंगा किताबी बात, तो वो मेरा बिल्कुल ना मेरा वो है जिंदगी का उस तरह का पैटर्न। यानी ये जो हम बड़े जब हो जाते हैं ये जो बैठना होता है ये बुनियादी तौर पर किताबें रट के या उनके पहरे के पहरे पढ़ के सुनाने का वक्त भी नहीं होता, ये तो दिल से दिल की बात होने वाली चीज होती है जो आपके दिल पे बोझ है। अल्लाह ने आप सबको इतनी बसरत दी है, आपको इतनी रिफत दी है, आपके चेहरे मुतमिन है, आपकी जिंदगी में एक सुकून है, कई काम छोड़ के आप यहाँ बैठे हो, इसका मतलब है अल्लाह के रसूल से कोई ताल्लुक है तो आप तशरीफ लाए। लेकिन क्या उसमें और गुंजाइश है बेहतरी होने की? ये जो इधर हमारी मुअज्जज बैठी हैं खवातीन, जाहिर है इनके भी 100 काम हो सकते थे, घर में बैठ के बच्चों से खेल सकती थी, टीवी देख सकती थी, रेडियो सुन सकती थी, पर दे आर हियर। इट मींस कि जिस नाम से आपने बैनर लगाया उसमें कशिश और मोहब्बत तो कायम है। लेवल का तय करना पड़ेगा, लेवल क्यों कमजोर है, क्यों आखिर हमारे बच्चे सड़कों में जाते हैं तो वो करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्यों हमारे बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं तो उनसे वो हो जाता है जो उनसे नहीं होना चाहिए, क्यों जब वो बड़े होते हैं तो हमें घरों से निकाल देते हैं, क्यों वो ऐसा करते हैं कि जो बदहदी करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं कि वादे तोड़ते हैं, क्यों ऐसा करते हैं कि रिश्ते तोड़ते हैं, क्यों ऐसा करते हैं कि लोगों को नौकरियों से निकाल देते हैं कि वहां उन्होंने धोखा दिया होता, आखिर क्यों ये सारी इतने क्यों हमारे साथ जमा होते जा रहे हैं। डिग्रियां बढ़ रही है, बच्चे बढ़ रहे हैं, स्कूल बढ़ गए, 105 तो यूनिवर्सिटियां हैं हमारे पास जो हजारों के एतबार से बच्चे निकाल रही हैं, लेकिन बीच में जो चीज मिस है डिग्रियां बहुत बड़ी होती जा रही है। अब तो हर दूसरा बंदा आपको एमफिल और पीएचडी मिलेगा इधर चंद सालों में, लेकिन क्या उनमें से कुछ एमफिल और पीएचडी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के भी हैं? हमारे जो दरस निजामी वाले लोग हैं मैं उनसे कोई शिकायत ही नहीं कर रहा, उनका कि निजाम है वो जो थे, कभी दर्द होता है कभी एहसास होता है, बुनियाद पर वो शेयर करने की चीज होती है, उस पर शायद कभी सवाल भी उठे, कभी आप वापस जब जाएंगे एक आध बात आपको याद रह जाएगी, एक आध बात आपको किसी जगह रात को सोते हुए कभी दिन में कभी पढ़ते हुए कभी बाजार में किताब खरीदते हुए
किसी भी लम्हे किसी दोस्त से बात करते हुए, मुझे याद है हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इतने बड़े डॉक्टर हैं कि उनके क्लिनिक पे नंबर चलते हैं और 2 बजे तक वहाँ 250-300 बंदा निमटता है। अच्छा रिलैक्स वो कहते होते थे कि पूरे दिन के बाद शाम को वो हम दोस्तों को लतीफे भेजते थे गंदे, तो कभी कभी बहुत कबाहत और एक अजीब आपके दिल पे बोझ पड़ता है कि यार क्यों इस तरह का भेजा। एक दफा उनसे बात की, फिर उन्होंने लतीफे भेजने बंद कर दिए। तो मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब अल्लाह खैर करे तबीयत ठीक है, आपकी तरह से वो SMS आते थे आजकल नहीं आ रहे, तो लगता किसी बात का असर हुआ। कहने लगे यार वो घर बैठा हुआ था, किताब खोल के पढ़ते पढ़ते अचानक ख्याल आया कि मैं किस काम पर लग गया हूँ, गटर का ढक्कन खोलता हूँ उसमें से गन निकालता हूँ और पूरे शहर में तकसीम कर देता हूँ। और हुआ ये कि रिविया खां में कोई दोस्त था उसको भेजा, उसने कराची भेजा, होते होते वो फिर गंदगी उन्हीं के पास वापस पलट गया। कहने लगे तब मैं बहुत दुखी हुआ कि मैंने जिंदगी में इतना इल्म, घर है अल्लाह ने रिस्क इतना दिया, इतने घर, एक फैक्ट्री है उनकी जो दवाइयाँ बनाती है, 21 मुल्कों में उनकी दवाइयाँ जाती हैं, क्लिनिक का मैं आपको बताया, इज्जत एहतराम भी है, लेकिन मेरा वक्त कहाँ पे लगता है, कि दोस्तों में मेरी पहचान क्या है। तो डेलिब्रेटली मैंने तय किया कि आज के बाद नहीं, कल अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी तो मुझे तो मारेंगे, तो अगर ना भी मारा तो मुंह ने परे कर लिया, तो यार मेरे पास तो ये पैसे ये दवाइयां मैं ढेर उनको दिखा के कैसे राजी करूंगा, ये तो मैं नहीं कर सकता। हाँ ये कर सकता हूँ, हाथ बांध के पाँव में गिर जाऊं, लेट जाऊं, कहो सर माफ कर दें, मेहरबानी आपकी, मुझे जरा हाथ मुझ पे नरम रखें, तो उस नरम हाथ करने के लिए भी कुछ तो मुझे करना चाहिए। सो ही चेंज, एक आदत बदल ली। उसका कितना वजन होगा, हम वजन अगर प्रतिमाशा भी डालें रब के यहाँ तो वजन बहुत ज्यादा चीजों का होता है, और वो हम उसका अंदाजा भी नहीं कर पाते वो चीजों का वजन कैसे करता है और कैसे नहीं करता। अपने बच्चों के साथ अगर एक आध एक्टिविटी कभी करके देखें, उनसे पूछिए कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे, किस नंबर पे आते हैं, मुमकिन है आपके बच्चे आपसे ज्यादा डरते हो, पहले ही आप नंबर 1 पे आ जाए, मुमकिन है आपकी बीवी का नंबर पहले आ जाए, तो बीवियों को मत डांटिएगा कि उनका नंबर पहले क्यों आ गया, उनका नंबर जहाँ भी हो। एक हदीस है ये भी कि बंदा बख्शा नहीं जाएगा जब तक उसकी बीवी और बच्चे उसकी गवाही नहीं देंगे उसके अच्छे होने की। सो जिन बीवियों को नहीं पता उनसे भी डरिए और पहले से अपना एटीट्यूड और बेहतर करना चाहिए, ताकि कल हम चाहें ना चाहें गवाही तो उनसे होगी। अगर उन्होंने कहा कि सर बाहर बहुत अच्छे थे, सॉफ्ट थे, बड़ी बड़ी अच्छी तकरीरें करते थे, घर आके तो सिर्फ घूरते थे, आदम वो की आवाज़ें आती थी, और बच्चे भी इनसे डरते हुए इनकी इज्जत करते हुए कमरों में घुस जाते थे, खाना भी अकेले खाते थे, तो अल्लाह करे ये नौबत हमारे साथ कभी ना आए। और हमारे बच्चे जब हम ना हों तो उनमें से कोई बच्चा, एक बच्चा, वैसे मुझे अपनी बेटियों पे ज़्यादा, आमतौर पर बेटे तो मेरे जैसे ही होते हैं निकम्मे सारे, या बेटियाँ ज़्यादा माँ बाप को याद करती हैं, भूलती नहीं हैं और रोती भी ज़्यादा हैं, दुआएँ भी ज़्यादा देती हैं, इसलिए अल्लाह बेटियों को बहुत बड़ी नेमत कहता है, और अच्छी इनकी तरबियत हो जाए, अच्छी इनकी तालीम हो जाए तो यहाँ भी सुखी रहें, और वहाँ जब हम होंगे तो वहाँ भी इंशाल्लाह सुखी भर रहेंगी। अल्लाह हम सब की मोहब्बतों की तरतीब ठीक करे, और आखिर में जब सब लोग इकट्ठे होंगे अपने अपने महबूबों के साथ, मैं कभी सोचता हूँ, पता नहीं आप इस पर गौर करते हैं कि नहीं, कि जन्नत में सारा दिन हम दूध की नहरों में पाँव लटका के तो नहीं बैठेंगे, और सारा दिन हम अपने पैरों से उड़ते तो नहीं फिरेंगे, कोई ना कोई वहाँ भी एक्टिविटी, वहाँ इबादत शायद नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ जो बैतुल खुला जाने के मामला है वो भी नहीं होंगे, लड़ने वड़ने के भी नहीं होंगे, चुगली भी बिल्कुल नहीं होगी, पर जन्नत वुड बी फुल ऑफ एक्टिविटी, जिसको रब इतना महबूब और मरहूब रखता है। वो कहता है कि जुमे की दावत होगी और उसमें लोग हसरत किया करेंगे कि अल्लाह उसको दावत में बुलाए, जैसे अजमन शहरियान की दावत होती है, जब किसी VIP के आने पर तो आप 100-150 लोगों को बुला लेते हैं, बाकी लोग बेचारे पीछे रह जाते हैं, तो वहाँ भी यानी जन्नत में भी दर्जे हैं, 5 मरले का, 10 मरले का, खेत किनालों का, 10 किनालों का। पिछले दिन मैं मुल्तान गया तो मुझे वहाँ जो सख्त किस्म के लोग हैं दीन में, उन्होंने यूनिवर्सिटी आए हुए थे, उन्होंने मुझे घर बुला लिया। मैं घर गया तो सब लोग ही बहुत ही तवील दाढ़ियों वाले लोग थे, मैं इनसे बहुत डरता हूँ, एहतराम भी करता हूँ, डरता बहुत हूँ, बहुत मारते हैं, गुस्से में जल्दी हो जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जो मुल्तान यूनिवर्सिटी है ये 1000 एकड़ में है, और अगर मानो आप सबको एक फिरके के सारे लोगों को अल्लाह 1000 की जन्नत दे दे तो भी आप सारे एक जिले में पूरे आ जाओगे,
36 जिले पंजाब के 35 खाली रह जाएंगे, तो मेहरबानी किया करें अल्लाह को बाकी लोगों को जन्नत में भेज देने दें। जो जो वो भेजता है, 1000 एकड़ काफ़ी होते हैं, 1000 एकड़ में आपका घर हो, बागात हो, यानी जन्नत। अभी तो पाकिस्तान की बात करें, दुनिया कितनी बड़ी है, हमें इस बात का बहुत दुख, गम और होता है परेशानी कि हमारे दफा कोई और ना चला जाए और बाकियों को हम जन्नत के दरोगे के हवाले करने में बहुत सहूलत महसूस करते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारी उम्र जो लोगों से कहते रहे, क्या जुमला था, कहा लोगों एक आग का अलाव है और तुम सब इसमें परवानों की तरह पलट पलट के आते हो गिरने के लिए, चलने के लिए, और मैं हूं कि तुमको हाथ से पकड़ पकड़ के वहां से हटाता हूँ और दूर करता हूँ और तुम्हें बचाता हूँ। अल्लाह फिर वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे इतने बुलंद करे कि जब उन्होंने भी ना सोचा हो कि उन्होंने हम जैसे नकमों को, लाखों करोड़ों अरबों को अल्लाह के यहाँ अल्लाह से जोड़ दिया। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि एक दफ़ा एक ये जो होती है ना येलो कलर की, पंजाबी में तो तमोड़ी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं उसको, भेड़, ये छोटा डेंगू जो काट ले तो जैसे आपका सूझ जाता है, तो उसका बच्चा था, उसने जाके परवानों से कहा कि मैं भी परवाना, मैं भी आशिक हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और मैं भी जैसे हम दावे करते हैं, हमारे जैसे दावे उसने भी किए होंगे। तो परवानों के जो चौकीदार थे उन्होंने कहा तुम यहाँ ठहरो, हम जरा अपने बड़ों से पूछ के आते हैं। तो अंदर के जाके पूछा कि एक आया है साहब दावा, तो उसका ईमान का बहुत बड़ा है, वो कहता मैं भी भेड़ू सॉरी मैं भी परवाना हूँ। तो अंदर आने दें कि ना आने दें, तो बुजुर्गों ने कहा ऐसा करो से कहो देख लो शहर में लाइटें जल रही हैं कि नहीं, तो खबर लाए बताए, अगर तो वक्त पे आ गया तो फिर से अंदर कर लेना। कुछ देर के बाद वो पहरेदार पहुंचे, जाकर उसे मिले, से कहा कि जो बड़ों ने शर्त लगाई है कि शहर में देख के आओ लाइट जल गई है, शाम हो गई है कि नहीं। तो वो जो भीड़ थी उसने कहा यह कौन सी बात है, उड़ती हुई गई, चक्कर लगाया और कहा कि कैंट में तो बहुत बल्ब जल रहे हैं, बहुत लाइटें जल रही हैं और रोशनी है, अब मुझे अंदर आने का इज़्ज़त है। तो परवाना के बच्चों ने हंसते हुए कहा कि अगर तुम परवाना होते तो फिर वापस ना आते। अल्लाह सबको सलामत रखे, आपकी ज़िंदगियों को ईमान से, खुशी से, सलामती से और उस यकीन से भर दे कि जो हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़े रखे, रब से भी जोड़े रखे, और जब हम वापस जाएँ तो शर्मिंदगी से हमारी ना आँखें झुके ना चेहरे झुके, और हमको वहाँ कई कई हज़ार एकड़ की जो जन्नत है वो मिले, और हमें दूसरों के मिलने पे तकलीफ भी कोई ना हो, और जिन लोगों से हम मोहब्बत करते हैं अपनी बीवियों से, अपने बच्चों से, ये भी हमारे साथ हो। मेरी बीवी को अब इतराज़ नहीं है, 70 गुड़ियाँ अगर मुझे मिल गई वो कहती मैं तो देखा ही नहीं करूँगी, तो ठीक है इस पर अगर दिल खवातीन बड़ा कर लेती हैं, लेकिन हमें आरज़ू अल्लाह की है, उसकी हुरों की नहीं है। वो बिस्मिल्लाह 7 में 70 का 700 दे दे, बड़े घर दे दे, पर वो माने नहीं रखते, उनकी आरज़ू नहीं है। वो जो राबिया बसरी कहती थी ना कि मेरे दिल में है कि मैं आग लेके निकलूँ और लोगों को जला दूँ, जो इस आरज़ू में है उस, वो कहती थी कि मैं उस जन्नत को जला दूँ कि जिसकी लालच में लोग अल्लाह को और मोहम्मद को भूल जाते हैं, और मैं उस दोनों को भी पानी से बुझा दूं कि जिसके डर से लोग नेकी करते हैं। नेकी तो डर से और उससे नहीं होनी चाहिए, नेकी तो अल्लाह से और उसके रसूल से जुड़ने और मोहब्बत करने से साथ ही होनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इससे पहले अगर किसी का सवाल है मौजूद के हिसाब से वो लिख कर दे दें। इस दौरान मैं मोहम्मद दाऊद साहब साहब से गुजारिश करूंगा, वो अपने ख्याल आपके साथ सुना। नमो तुअला सज्जना सुले करीम अम्मा बाद पाउस मिल्ला ने शेख अब्दुल जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की विशेष में माशाल्लाह अख्तर अब्बास साहब छोटे छोटे पैराओं में बहुत बड़ी बड़ी बात, थोड़े से वक्त में बहुत लम्बा बहुत बड़े बड़े इलम फरूस पाते हैं। खुदा करे हम सब उस पर अमल करें। बात
بات کا دوبل باب صرف اور صرف یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. کیسے عمل کیا جائے، کتنا عمل کیا جائے، اس کی کوئی خاطر نہیں. شروع کہاں سے کیا جائے، باتیں لکھی پڑھی ہیں ساری، پتہ بھی ہوتا ہے انسان کو، لیکن کسی جگہ سے بھی شروع کر لیا جائے تو وہ ہوئی اس کی ابتدا ہے. مقصد یہ ہے صرف اور صرف کہ جو ہمارا دین، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی عمل ہے، وہی عقل ہے. جب ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے تو منظر ہماری آسان ہو جائے گی، مقصد ہمارا پورا ہو جائے گا. صرف بات عمل کرنے کی ہے اور شروع کرنے کی ہے. تو اختر باز صاحب کی باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بہت معنی خیز اور تھوڑے سے وقت میں بہت ان کا کہنا، یہ ہمارے لیے سبق ہے. اپنا ایک طریقہ ہے جو بہت افیکٹو ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور ان بچوں کو جن کے بارے میں یہ پروگرام بنائے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نے ان کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے، کیسے ان کو بتانا ہے، کیسے ان کو اس لائن پہ لگانا ہے. اگر ہم یہ کریں گے تو اس کے نتائج انشاءاللہ بہت بہتر ہوں گے. اور یہی ہماری ضرورت ہے کہ بیسک باتیں، ابتدائی باتیں، ان پہ وہی سکھائی جائے، ان پہ ہی عمل کیا جائے، تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو بہتر نتائج ہیں وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو آخر میں ہم اپنے ادارے کی طرف سے، ان کا فور کی طرف سے اختر عباس کا نہایت شکر ادا گزار ہے کہ انہوں نے اپنا بہت قیمتی وقت، بہت لمبا سفر کر کے آیا تھا اپنی باتیں بتائی. بہت شکریہ. بس